सर ने दो हमें स्लाइड्स दिखा रखी हैं, एक तो ओल्ड और एक न्यू। तो शिक्षा की अनिवार्यता और शिक्षा की अपर्याप्तता, इन्होंने जो बात की है, अब हम इस बात पे देखिए 2020 की पॉलिसी में क्या है, ये बात आज हम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, उनके माध्यम से हम सब जानेंगे। और जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि विषय बहुत वास्ट है, 4 घंटे पर में भी इसमें बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम बहुत कम समय में इसे बात करेंगे, हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है। आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मानवीय विकास विकास नीति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला का, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया है, और आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हमारे मेजर जनरल अमित कुमार शोरी जी, जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और इस सारी शिक्षा नीति को लेकर काम भी करते रहते हैं। हमने पहले भी उनको कुछ वेबिनार में सुना है और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और बड़ी तह तक वो किसी भी चीज़ के जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से उस चीज़ को निकाल कर लाते हैं, समुद्र में से मोती निकाल कर लाते हैं। वाकई ये जो शिक्षा नीति है वो अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत जो है वो क्षेत्र है, उसमें से हम आज इनके द्वारा कुछ चुने हुए मोती, जो हमारे लिए हमारी भूमिका क्या होगी इस पॉलिसी के बाद, जब 2021 में पॉलिसी लागू होगी, और विद्यार्थियों की भूमिका क्या रहेगी इसमें, इस सब का वो हमें इस पर लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, और हम अपनी भूमिका को तय कर पाएंगे। तो उसको हम सुनने के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का सनातन धर्म कॉलेज की ओर से, एनसीसी की ओर से, डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी जो सारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनकी ओर से, और फर्स्ट हरियाणा गर्ल्स बटालियन का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विषय को कैडेट्स के साथ साझा करने का हमें प्रेरणा दी, क्योंकि कैडेट्स को इस शिक्षा नीति के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम कोकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस चर्चा के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करने के लिए डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज उनका वो स्वागत भी करेंगे और हमारा परिचय भी उनसे कराएंगे। बहुत लोग मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी से परिचित हैं, लेकिन बहुत से कैडेट और बहुत से आज जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, अभी अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और भी जो नए लोग हमसे जुड़े हैं जो उनको नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में भी बताएंगे कि अमित कुमार, मेजर जनरल अमित अमिल कुमार शोरी जी कितना कार्य जो है वो क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, कॉलेज की ओर से, मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि वह हमारे कार्यक्रम में बहुत उत्साह के साथ हमारे कैडेट्स के साथ जुड़ते हैं। पहले हमारे यहाँ सेमिनार में आके हमें बहुत सारा ज्ञान जो है वो वितरित करते रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका इस मंच पर, और आशुतोष अंगिरस जी को आमंत्रित करती हूँ, वे उनका विधिवत स्वागत करेंगे और उनका परिचय हम सबसे कराएंगे। धन्यवाद सर। डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी से मेरा निवेदन है, सर आवाज आ रही है? जी जी मैम, थैंक यू। सर धन्यवाद डॉक्टर कैप्टन विजय शर्मा जी। आज का जो हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, परिचर्चा रख रहे हैं, उसके दो पक्ष हैं। आप जैसे कि इस के टॉपिक से देख सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी भूमिका किस रूप से परिभाषित की जाएगी, और उसमें बात ऐसा हम क्या एड देखने जा रहे हैं जो पहली जो हायर एजुकेशन की सिस्टम है या पॉलिसीज रही हैं उससे इसमें क्या भिन्नता आने जा रही है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो प्रपोजल्स उसमें दिए गए हैं पॉलिसीज में, उन प्रपोजल्स को समझ करके उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं, जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी पॉलिसी बनाई और आपने उसको कहा कि अब ये बस हो गया फाइनल। उसको इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आती हैं, जो कठिनाइयां आने वाली हैं,
क्योंकि 130 करोड़ की जनता के लिए जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो ना तो बनाना इतना आसान होता है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और भी अधिक कठिन काम होता है। तो इसलिए हमने आज का ये विषय रखा है कि हम उसके जो मेन प्रपोजल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, उसको एक बार समझें और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो विषय विषयों की संभावना है, जो विषय हैं जहां पे स्पष्टता नहीं है या जो हमें लगता है कि इन विषयों पे चर्चा की जानी चाहिए, समझाया जाना चाहिए, उन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि इस विषय को चुनने का ये भी एक कारण था कि कम से कम जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनके लिए ये शिक्षा नीतियाँ बनती हैं, जिनके लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं, आयोजन किए जाते हैं, उनको तो पता लगे कि एक्चुअल में पॉलिसी क्या है। टीचर्स को पता होना, एकेडेमिशियंस को पता होना ये एक अलग बात है, लेकिन आगे जो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ये असर करने जा रही है, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इसमें प्रतिभागी रहेंगे, उनको तो पता हो कि इस टोटल पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है। और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन को हमने यहाँ पे फोकस करने का प्रयास किया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, सामने स्लाइड देख रहे हैं, इसमें मैडम ने दो शब्द प्रयोग कर दिए थे कि शिक्षा की जो अनिवार्यता है और अपर्याप्तता, इससे हम परिचित हों। ये कहने को हमें लगता है कि बड़ी आसान सी बात है, लेकिन अनिवार्यता की जब हम बात करते हैं तो क्या सभी लोगों को, 130 करोड़ लोगों को शिक्षित करना। अब शिक्षा शब्द जो है यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि एजुकेशन का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षा जो है वो हमेशा एक ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है, जैसा कि आप ये एजुकेशन सिस्टम राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड वाली पे देख पा रहे हैं कि हम एक शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को कि आप घंटी बजेगी, क्लास में जाओगे, वहां पे टीचर इतनी देर बोलेगा, एक रेगुलर सिस्टम है, वो एक खास तरह का प्रशिक्षण है कि हर काम जो है एक सिस्टम के तहत इस तरह से होगा और आप इस तरह का व्यवहार करेंगे और आपसे इस तरह की अपेक्षाएं हैं। ये हमारा वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है ये उसका स्वरूप है जिसे हम शिक्षा कह सकते हैं कुछ अर्थों में। लेकिन जब आप इसकी अनिवार्यता को भी जानना है और अपर्याप्तता इस अर्थ में है कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से हम किस तरह के लोगों को पैदा कर रहे हैं, किस तरह के समाज की आवश्यकताएं हैं, क्या इस एजुकेशन सिस्टम से वो लोग उभर कर आ रहे हैं जो समाज की अपेक्षाओं को, जो लार्जर कंसर्न्स हैं, जो डीपर कंसर्न्स हैं ह्यूमन सोसाइटी के, उनको वो डील करते हैं, क्या उनसे वो उनके विषय में उनकी कोई समझ बनती है कि नहीं बनती। इस तरह के बहुत सारे विषय जो हैं वो हमारे सामने आते हैं और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो शिक्षा है, वो अपर्याप्त है। तो संभवतः इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने आज मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी को आमंत्रित किया है कि वो हमारे साथ इस विषय पे बातचीत करेंगे और इसके कई पक्ष जो हैं वो हमें उससे अवगत कराएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों ने केवल मान लिया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसमें दो तीन शब्द हमने इधर उधर से सुन लिए कि उसमें जो है आप स्ट्रीम्स बदल सकते हैं, उसमें आप जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो जाएगा, कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं सिस्टम को बीच में, इस तरह की बातें आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप ये देखिए कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ओके okay। तो आज के जो मेन स्पीकर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है और जिनकी रुचि भी रही है, तो ऐसी दो बातें जब मिल जाती हैं जहां पे रुचि भी हो और मेहनत करने की क्षमता भी हो, मेहनत कर भी करता हो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति से हम आज ये बात सुनने जा रहे हैं कि इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है,
उसमें कौन सी ऐसे विशेष बातें हैं जो उसे भिन्न कर रही हैं, उसमें प्रपोजल्स उन्होंने क्या दिए हैं, और फिर कंसर्न्स क्या हैं, क्योंकि जब तक हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती तो हम केवल धारा में बह सकते हैं, हम विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, उनको आमंत्रित किया है, जो वर्तमान काल में डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला में, और साथ ही साथ वो चेयरमैन भी हैं मैनेजमेंट कमेटी GGDST कॉलेज खेरी घुरना, और आप सभी लोग उनके उनसे परिचित ही हैं, अधिकांश लोग परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उन मैं औपचारिक रूप से उनका परिचय कराना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत लंबा समय जो है इंडियन पोस्टल सर्विसेज में अपना दिया है, उसमें दिया है, और फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 21 वर्ष जो है इंडियन आर्मी को अपना समय लगाया है, और वहाँ पर ADG के पोस्ट से वो ADG की पोस्ट पे रहे हैं, और फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पोस्टल बोर्ड जो है 2016 में वहां से वो रिटायर हुए हैं। ये तो उनका एक पक्ष है जो व्यवहार का पक्ष है, जो एक अपेक्षित भी था, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यक्ति का एक अंतरंग परिचय होता है वो है कि उसकी ज्ञान में रुचि कितनी है। मेजर जनरल AK शौरी ने लगभग 4 पुस्तकें तो हैं, अंजलि जी प्लीज अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए, उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं और अभी 2 पुस्तकें उनकी और आने वाली हैं, और उसके साथ साथ उनके 100 से अधिक आर्टिकल्स जो हैं विभिन्न विषयों के ऊपर, विभिन्न प्रकार के जो मैगजीन्स हैं और समाचार पत्र हैं उनमें वो प्रकाशित हो चुके हुए हैं। उसके अतिरिक्त वो बड़े उनकी रुचि रहती है बिहेवियरल साइंसेज और गुड गवर्नेंस जैसे विषयों के ऊपर। वो हम लोगों ने देखा ही है कि जब उन्होंने चाइना के ऊपर अपना अभी लेक्चर दिया था, फिर कारगिल वॉर के ऊपर उनका एक लेक्चर हुआ था, और उसके अलावा उन्होंने कई ऐसे विषय हमारे साथ साझे किए हैं कि पंचतंत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर, इस तरह के बड़े रुचिकर विषय और बड़े इनोवेटिव जो विषय हैं उनके ऊपर उन्होंने हमें जो है ज्ञान करवाया है, और ये बाकी उनकी मेहनत और रुचि का ही परिणाम है कि वो अपनी एंशियंट इंडियन विजडम से कई बातें चुनके लाते हैं और उसको आधुनिकता के साथ रिलेट करके हम लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं। और एक जो विशेष बात है जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर के रामायण पर आधारित और पंचतंत्र पर आधारित वो मैनेजमेंट के जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो करवाते हैं, और अभी भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग के जो कोर्सेज हैं वो भी, वो उसकी ट्रेनिंग कोर्सेज भी वो अभी शुरुआत करवाएंगे उसकी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि उनकी एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह की बाकी तो बातें उनकी विशेष उनकी अभिरुचियां हैं, स्पेशलाइजेशन हैं। तो इससे पहले कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं अपनी बातचीत आरंभ करने के लिए, लेकिन कुछ एक कंसर्न्स मेरे हैं, मेरी चिंताएं हैं, मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि इन विषयों को का एक संदर्भ होना चाहिए, और उस संदर्भ को मैं लगभग अगले 2-3 मिनट में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। वो विषय यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी और जो उससे पहले की जो पॉलिसी, वर्तमान पॉलिसी है, उससे मनुष्यता को उपलब्ध क्या हुआ है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि क्या ये एजुकेशन पॉलिसी, आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि क्या ये भविष्य में सेंसिबल पीपल, सेंसिबल लोगों को उत्पन्न करेगी कि नहीं कर पाएगी, या केवल गुड एंड स्मार्ट लोगों को ही पैदा कर पाएगी, कंट्रीब्यूट कर पाएगी। दूसरा जो इशू है, क्योंकि सेंसिबल लोगों की इस वक्त ज्यादा जरूरत है बजाय इसके गुड और स्मार्ट, क्योंकि गुड और स्मार्ट लोगों ने सारी दुनिया को बेच दिया है और वो लोग आगे भी बेचेंगे ही बेचेंगे, हर चीज को वो उपयोगिता की दृष्टि से देखेंगे, वो उस बैलेंस को नहीं देख पाएंगे जो सेंसिबल लोग जो है वो उस बैलेंस को देख पाएंगे कि इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट में इस तालमेल को बिठाने वाले सेंसिबल लोग तो हो सकते हैं, वो स्मार्ट लोग नहीं हो सकते। दूसरी जो बात आप देख रहे हैं वो है कि हम इंटेलेक्चुअल्स को ज्यादा पैदा करेंगे या इंटेलिजेंट लोगों को ये शिक्षा नीति मौका देगी आगे विकसित होने का।
तीसरा जो मेरा कंसर्न है वो है कि क्या ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, प्राइमोर्डियल फियर और हंगर, ये दो ऐसे इश्यूज हैं, उनसे उनसे ही केवल डील करेगी, जैसे कि ये जो वर्तमान कालिक शिक्षा पद्धति है ये केवल भय और भूख इन्हीं दो के साथ है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसी भय से ये बाहर निकलने का मौका नहीं दे रही। तो क्या ये भी शिक्षा नीति इसी के साथ डील करेगी, या वो कोई नई सेंस ऑफ इंक्वायरी स्टूडेंट्स में, मनुष्यों में पैदा करेगी और एक सौंदर्यपूर्ण जीवन जीने के कुछ मूल्य प्रदान करेगी, एस्थेटिक वैल्यूज वो कुछ असाइन करना सिखाएगी। और साथ ही साथ जो चौथा मेरा कंसर्न है कि जिस दृष्टि से मैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखना चाहता हूं कि क्या वो कभी हमें इतनी अकल देगी, मैं मोटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इतनी समझ देगी कि हमारी जरूरतें कितनी हैं और जितनी हमें मिल गई हैं क्या उसके बाद मैं कह सकता हूं कि दिस मच इज रिक्वायर्ड एंड नो मोर इज रिक्वायर्ड, क्या ये कभी एक अकल, ये समझ, ये एक सेंस मेरे में पैदा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के मेरे कुछ कंसर्न है। और अंतिम जो बात है जिस पे मुझे लगता है कि हम सभी को चिंता करनी चाहिए कि अल्टीमेटली क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेलबींग मनुष्यता के लिए लाएगी कि नहीं लाएगी, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी का मतलब केवल 130 करोड़ लोग ही नहीं है, 7.5 बिलियन लोगों से भी उसका ताल्लुक है, क्योंकि 130 करोड़ लोग बाकी दुनिया के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या अल्टीमेटली ये वेलबींग की ओर हमें लेके जाएगी कि या नहीं जाएगी, या इसी तरह से भविष्य में भी कभी नई तरह का कोरोना पैदा कर लेंगे, नई तरह की कोई हम समस्या पैदा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ होगा। तो ये कुछ एक कंसर्न है, ये कुछ एक चिंताएं हैं जिनके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि हमारे कैडेट्स, हमारे साथ जुड़े हुए जो एएनओस, ऑफिसर्स, टीचर्स, एकेडमिशियंस, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो इस संदर्भ में नई एजुकेशन पॉलिसी के स्ट्रक्चर को भी समझें कि उसमें प्रपोज क्या 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 किया गया है और उसके जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो टीचर्स का ही होगा। और क्या वो टीचर्स तैयार हो रहे हैं, क्या उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, क्या उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि किस तरह से हमें नए सिलेबसेस रीडिजाइन करने हैं, कौन से ऐसे इश्यूज उसमें डालने हैं जिससे कि हम एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग को, समाज को दे सकें। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल ए के शौरी जी को कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ साझा करें और हमें जो अपनी उनकी दिशा है, जो उन्होंने विचार किया है, वो हमारे साथ साझा करें। प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज। जनरल साहब एक मिनट, मैं अपना जिसका भी माइक ऑन है उसको मैं ऑफ कर दूं। बोतल वाले थे बॉबी चौधरी, शायद ग्राउंड में इन्होंने या तो दिखा रहे हैं लोगों को प्रेजेंटेशन या उनकी वो आप अपना प्रेजेंटेशन कीजिए, आप ऑन कीजिए अपना प्रेजेंटेशन। स्लाइड ऑन करता हूं। हाँ जी, आप अपनी स्लाइड ऑन कीजिए और फिर मैं देख लूंगा बीच में कहां पर हैं वो, उनको मैं एक सेकंड जी। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि स्लाइड शेयर मत कीजिएगा, बीच में कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है, और ना ही आप लोग अपना जो है माइक अनम्यूट करें। बॉबी चौधरी अभी तक म्यूट किए हुए हैं, आपकी भी स्लाइड्स अभी वहां पर हटी नहीं है इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। ओके, नहीं नहीं, वो एक सेकंड रुके जी जी जी, एक सेकंड रुके, वो इधर ध्यान चला गया ना मेरा भी, एक सेकंड सर। सर आप अपनी तरफ से म्यूट कर दो उसको, बॉबी चौधरी को। हाँ जी, मुझे करना पड़ेगा सर, ये तो थोड़ा एक्चुअली मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है ना सर, अब हुआ नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, आपकी स्लाइड राइट में दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो।
आप अपना करो। जी हो गया। जैन सर प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो नहीं सर होगा राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं होगा होगा सर। नहीं सर अभी आपकी स्लाइड शो हो रही है कोने में ना, आप अपनी स्टॉप करेंगे तब आएगा उनका। मैंने स्टॉप कर दी है पर आ रही है सर साइड में ना, अभी भी आ रही है। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके तो स्टॉप, मैं तो प्रेजेंट नाउ में जाकर शेयर का ऑफ कर दिया था लेकिन वो भी आना तो चाहिए। मैं यहाँ से आउट होके दोबारा से ज्वाइन करूँ क्या? कर लीजिए बेशक आप कर सकते हैं, ऐसे को वैसे तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। आप मैं तब तक म्यूट करता हूँ लोगों को, एक कठिनाई सी। रीना मैम वाले से प्रेजेंटेशन आ रही है, रीना अंग्रेज के नाम से। एक्चुअली मैंने दो लैपटॉप से ऑन किया हुआ था क्योंकि हाँ जी जी रीना मैम वाले से आ रही है तो अभी गई नहीं है, मतलब बंद नहीं हुई है। कोई नहीं मैं कर रहा हूँ एक सेकंड। ये वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कोई भी शेयर कर सकता है अपनी स्लाइड। मैं एक सेकंड तब तक वो देखूं कि कौन। ओके सो जनरल साहब जब तक दोबारा ज्वाइन करते हैं तो अब क्लियर हो गए मैम? हाँ जी सर अब क्लियर है। यस सो कई तरह के जो इश्यूज हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं और हमारा लक्ष्य आज का उद्देश्य यही था कि उसका एक फुल स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता हो कि हायर एजुकेशन का फुल स्ट्रक्चर क्या है, क्या उन्होंने नए प्रपोजल्स दिए हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जो हमें लगता है कि जो स्पष्ट नहीं है, तो उन सारों विषयों को जनरल साहब बीच में लेंगे। सो आई होप कि जुड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए उनको भी। सो और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा जो ज्यादा कंसर्न है वो दो ही कंसर्न्स हैं कि एक तो ये कि टीचिंग कम्युनिटी को किस तरह से तैयार किया जाएगा ये आने वाले जो बदलाव इसमें हैं और पर्टिकुलरली जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, और दूसरा कि इस शिक्षा नीति से आगे आने वाले जो भविष्य में जो छात्र हैं मनुष्य हैं उनका स्ट्रक्चर मेंटल मेकअप वो कैसा होगा, उनका माइंडसेट कैसा बनाएंगे, ये चिंता का विषय है। जी मैंने ज्वाइन कर लिया दोबारा से। जी सर प्लीज प्रेजेंट करो। जी जी प्लीज प्लीज शेयर योर स्क्रीन। जी आ रही स्क्रीन पर स्लाइड आ रही है? जी आ गई सर। ओके यस 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 इट्स विजिबल नाउ। स्टार्ट करते हैं। जी सर पहले तो आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतनी मेहनत से इस वेबिनार को प्लान किया है और मुझे एक मौका दिया है कि मैं हायर एजुकेशन के बारे में कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से कर्ण वर्मा जो है वो हमारे साथ गोल्फ खेलते हैं और पिछले एक हफ्ते से मैं उनसे बात कर रहा हूँ और आशुतोष जी से कि ये 66 पेज का डॉक्यूमेंट इतना इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है और इतना कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है कि इसको पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है जैसे मैं UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। और
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वेबिनार में कहाँ से क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ, इश्यूज़ बताऊँ, चैलेंजेस बताऊँ, अपॉर्चुनिटीज बताऊँ, कॉम्प्लिकेशंस बताऊँ। फिर उसके बाद आई थॉट दैट के आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स के सबसे पहले हम हायर एजुकेशन पॉलिसी को समझ तो लें। तो इसीलिए आज की प्रेजेंटेशन में, बिकॉज देयर द नंबर ऑफ कैडेट्स आर ऑल्सो देयर, ऑफकोर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले हम बेसिक्स को समझें कि हायर एजुकेशन की पॉलिसी जिसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है वो है क्या। दो दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये स्टार्ट तो होती है आंगनवाड़ी से, लेकिन हम वो स्कूल को छोड़ दिया और कॉलेज ऑनवर्ड्स जो है इसको लिया है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी आशुतोष जी और बाकी सभी लोग भी कि पहले क्या होता था, पहले होता था कि पढ़ना लिखना सीख जाए, उस स्कूल चला जाए बच्चा, वो पढ़ना लिखना सीख जाए ताकि उसको हिसाब करना आ जाए, बातचीत करनी आ जाए, या और एक थोड़ा सा व्यवहार उसको पता चल जाए, वो बेसिक्स, बेसिक्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा, बेसिक्स की। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी पिछले 6 महीने से कह लीजिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पोस्ट कोरोना, और सिंस लास्ट 1 or 2 years कह लीजिए, जब से ये मोबाइल आया है, the so-called illiterate people who have never gone to any school, they can also communicate well. आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे मजदूर कह लीजिए, या घरों में काम करने वाली मेड कह लीजिए, या और ऐसे देख लीजिए जो शायद कभी स्कूल गए ही नहीं है, लेकिन वो मोबाइल के ऊपर अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इवन जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं थ्रू पेटीएम बिकॉज ऑफ द डीमोनिटाइजेशन एंड द अदर थिंग्स। तो थोड़ा सा चेंज आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नो हाउ, मैं नॉलेज नहीं कहूंगा, लेवल ऑफ नो हाउ और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने आप जो है पास ऑन करनी शुरू कर दी। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जहां तक हायर एजुकेशन का बात है, अगर आप ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखें, पढ़ें, तो मेरे तो कई पेजेस इसमें भर चुके हैं, उसमें बहुत सारी मेरे को कंट्राडिक्शंस भी दिखी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी दिखे हैं, बहुत सारे लूप होल्स भी दिखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये एक डॉक्यूमेंट देखने में पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट वेन वी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड देन देर गोइंग टू बी हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम है तो मैं कोई पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। भाई पॉलिसी है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, प्रॉब्लम्स हैं तो चैलेंजेस होंगे, और चैलेंजेस होंगे तो उनका हल भी निकाला जाएगा, वो सारी चीजें रहेंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक हमने एक इसको एक हाथ डाला है, और आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, आप सभी लोग इस फील्ड में हैं, बहुत सारी चीजों का आप सभी लोगों को जिंदगी का तजर्बा है, मैं उस फील्ड का नहीं हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आशुतोष जी, आप या और आप जिसको आप दो तीन जिनको भी आप चैट बॉक्स पर कह दें, या जो भी वो सुन रहे हो, आप कुछ लोग जो है इसमें जो पॉइंट्स आएंगे उनको जॉट डाउन करते रहिएगा। जी जी, पॉइंट्स ऐसे जो हमें लगता है कि उनको अलग से डेलिबरेट करने की जरूरत है, जहां पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज लेट्स बी वेरी फ्रैंक, एज मैडम सेड के और आपने कहा कि दिस द पार्ट वन, इट रिक्वायर्स सो मेनी पार्ट्स एंड इट रिक्वायर्स लाइक ए पीवीआर में जाकर 3 घंटे की जैसे पिक्चर देखते हैं, वैसा एक 3 घंटे का शो चाहिए हायर एजुकेशन के लिए विद 2 ब्रेक्स। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको हिस्सों में जानने की कोशिश करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, डेलिबरेट करेंगे, ताकि उसके ऊपर जो है फिर आगे हम गवर्नमेंट के साथ या रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ कम्युनिकेट कर सके कि ये चीजें क्लियर नहीं है। एनी हाउ, विद दिस बैकग्राउंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, ये मैंने उस डॉक्यूमेंट से जो है सिलेक्टेड चीजें उठाई हैं, ताकि उसका जो निचोड़ है वो स्टूडेंट्स के सामने और सभी के सामने आ सके। वो क्या कह रही है 21st century की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, इंडिविजुअल को एक मौका देना है, उसको एनेबल करना है 1 or more स्पेशलिस्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एट ए डीप लेवल पर स्टडी करने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई, अगर मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, या इंजीनियरिंग में हूँ, या मैं किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसको मैंने अपनी रोजी रोटी के हिसाब से या प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से मैं उसको प्रस्यू कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा पेंटिंग में, मेरा डिजाइनिंग में, मेरा स्कल्पचर में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में भी उतना ही इंटरेस्ट हो सकता है।
तो मेरे को वो उस इंटरेस्ट को मैं कैसे पूरा करूं, वो मेरा स्पेशलिस्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, उसके लिए मेरे को कहां पर अपॉर्चुनिटीज है? ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ना के बराबर होती है या थोड़ी बहुत होती है या सिर्फ एक यूथ फेस्टिवल लेवल के हिसाब से होती है या कहीं कहीं कोई हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन once I join an education institution, there should be an opportunity available कि मैं एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा अपने specialized areas of interest को pursue कर सकूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपने देखा होगा लोग कई आपने देखा होगा कि IIM से Indian Institute of Management में वहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो है corporate sector की job छोड़ दी। job छोड़ने के बाद बोलते नहीं 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 यार job नहीं, मैं अपना काम करूंगा। अपना काम किया और उसके बाद साथ साथ उन्होंने कहा कि नहीं 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 ये काम तो ठीक है, इससे मैं पैसा तो कमा रहा हूँ लेकर मेरे को मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो और करने की अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसी वक्त से मिलनी चाहिए। दिस इज दैट द वन ऑफ द विजन ऑफ द इंडियाज न्यू हायर एजुकेशन सिस्टम। और मुसीबत की जड़ क्या है? मुसीबत की जड़ ही तो हमारा करेक्टर और एथिकल वैल्यूज है। अगर हमारे करेक्टर और एथिकल वैल्यू स्ट्रांग होते तो हम निर्भय और गुड़िया और हाथरस इनके ऊपर जो है तीन तीन हफ्ते बहस ना करते शायद। हमारे करेक्टर और एथिक्स इनके साथ साथ एक क्रिएटिविटी और स्पिरिट ऑफ सर्विस को डेवलप करना, ये भी हायर एजुकेशन पॉलिसी का एक विजन है। एंड ऑफकोर्स सोशल साइंसेज है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेज है, उनकी कैपेबिलिटीज को ग्रो करवाना, ये एक विजन है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके साथ इसके अलावा सोसाइटी के लेवल पर जैसा कि आशुतोष जी ने कहा था कि एक एनलाइटेंड सोशली कॉन्शियस नॉलेजेबल स्किल्ड नेशन को डेवलप करना। देखिए ये वर्ड्स जो है इनको आप थोड़ा सा आराम से देखिएगा, एनलाइटेंड सोशली कॉन्शियस नॉलेजेबल। क्या सोशली कॉन्शियस का मतलब? सड़क के ऊपर जा रहे हैं कहीं भी कुछ हो रहा है, बहुत सारे हम इनसेंसिटिव हैं, हम सोशली कॉन्शियस नहीं है, हम क्लीनलीनेस के बारे में कॉन्शियस नहीं है, हम बहुत सारी और चीजों के बारे में कॉन्शियस नहीं है, हमारा लेवल ऑफ नो हाउ नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में कम है, और हम स्किल्ड नेशन नहीं है। स्किल्ड नेशन क्या? बड़े बड़े इंजीनियर जो है वो भी अभी टायर अगर बदलना हो, जिसमें पंक्चर लगाना हो, तो एक अनपढ़ मैकेनिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं कि भैया जरा पंक्चर लगा दे। घर में अगर फ्यूज चला जाए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है कि यार कौन सी तार को किसके साथ जोड़ना है। एक रेंच लेकर जो है हम एक नट बोल्ट नहीं खोल सकते। स्किल्ड नेशन आपने देखा होगा, मूवीज भी देखी होंगी, और वैसे भी आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में इन सारी चीजों के लिए पीपल आर नॉट डिपेंडेंट फॉर माइनर थिंग्स ऑन अदर्स। उनको पता होता है कि ये चीजें मैंने कैसे करनी है। वो पता कैसे होता है? क्योंकि उनको सिखाई गई होती है। तो नॉलेजेबल सोशली कॉन्शियस और स्किल्ड नेशन को बनाना भी इस हायर एजुकेशन का काम है, और साथ ही साथ मोर वाइब्रेंट सोशली एंगेज्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज एंड ए हैप्पियर कोहेसिव कल्चर प्रोडक्टिव इनोवेटिव प्रोग्रेसिव। कितने बम्बास्टिक वर्ड, ये इतने बम्बास्टिक वर्ड हैं कि अगर ये हो जाए तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आपका विजन तो होना चाहिए। आपका विजन जो है वो इतना वाइड है कि अगर हम इसमें से इतने एक्स परसेंटेज भी परस्यू करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत हाई होंगे। लेकिन विजन तो ठीक है, उससे पहले हम ये जाने कि भाई हमारे आज के हायर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या? आपके सामने है कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, इनके ऊपर कोई एम्फोसिस ही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी इंजीनियर्स की और इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम्पल दी। रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स है। आशुतोष जी को मालूम है, मैं वैसे शेयर भी कर लेता हूँ, मैं तो स्कूल और कॉलेज से बैडमिंटन खेलता आया हूँ, और जब मैं MA पॉलिटिकल साइंस कर रहा था दोआबा कॉलेज से, तो उस वक्त जो है दोआबा कॉलेज की टीम के चार प्लेयर होते थे जिसमें से दो पंजाब चैंपियन थे और एक इंडिया की टीम में खेलता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं IAS के एग्जाम दूंगा, मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स को कैरियर बनाऊंगा, एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन दैट टीम ऑल्सो। लेकिन कोई ऐसा था नहीं अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको अपना करियर बना सकता या अपने उस इंटरेस्ट को स्पेशली परस्यू करके उसमें और मेरे को कोचिंग मिल सकती। तो रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स विद अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नैरो एरियाज ऑफ स्टडी। तो मुझे वो पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें जो है
पढ़ी मैंने, वो ठीक है कि उसके बाद पढ़कर जो है मैंने अपना करियर भी बनाया, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि जो दूसरे इंटरेस्ट हैं, दूसरे ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं है प्रेजेंट सिस्टम में, और सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरियाज में बहुत ही कम है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ये एक जो है चीज रही है, और साथ ही साथ ये भी रहा है कि ऑटोनॉमी प्रेजेंट सिस्टम में ऑटोनॉमी की कमी रही है, इनएडिक्वेट मैकेनिज्म फॉर मैरिट बेस्ड कैरियर मैनेजमेंट, सिफारिश, चापलूसी, हेराफेरी, ये सारी चीजें बाद में भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी खुलकर इस बात की बात करती है कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये ड्रॉबैक्स है, हमने ड्रॉबैक्स को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए हम ये सिस्टम जो है लेकर आ रहे हैं। रिसर्च यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ना के बराबर, गवर्नेंस एंड लीडरशिप सब ऑप्टिमल है, और कोई रेगुलेटरी सिस्टम इनएफेक्टिव है। पिछले 2 साल से मैं कॉलेज की मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यूनिवर्सिटी के साथ भी इन टच है, एंड आई हैव सीन दैट द लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द रेड टेपिज्म इन द यूनिवर्सिटी इज एज बैड एज एनी टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस। इस तरह से कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम किसी कंट्री के ग्रो नहीं कर सकते अगर यूनिवर्सिटीज रेड टेपिज्म में और ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई हों, जहां 2-2 साल तक ना वो सिलेबस अपग्रेड कर पाए, ना उसके बारे में डिसीजन दे सके, ना कोर्सेज शुरू करने के बारे में बात कर सके, और कहें कि जब भी ऐसी बात हो आप आकर डिस्कस कर लो, इट मीन्स दैट द आवर सिस्टम्स एज ऑन डेट आर टोटली हैव टोटली फेल्ड। और बहुत सारी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी वजह से लो स्टैंडर्ड्स आ गए हैं अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के। These have been the problems with the present system. अब क्या है? अब higher education policy में जो पैरा मैंने बीच-बीच में mention किए हैं, ये वही document से उठाए हैं, 9.3 para onwards जो है वो क्या explain करता है इस vision को? Policy's vision includes the following key changes to the current system. क्या? Moving towards a higher education system, large multidisciplinary universities and colleges with at least one इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक और हो सके तो एक से ज्यादा या तो मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो। मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है वो आगे चलकर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगा, और वो ऐसे हो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स लोकल या इंडियन लैंग्वेजेस में बता सके। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है हायर एजुकेशन पॉलिसी न्यू में, मूविंग टुवर्ड्स ए मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडरग्रेजुएट एजुकेशनल, इसकी तरफ वो ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। इसके अलावा मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मेरे को ये सिलेबस है, ये कोर्स है, ये अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आई शुड बी फ्री टू इंट्रोड्यूस। मैं क्यों उसमें फंसा हुआ हूं कि उसके लिए मैं पहले एक कोर्स डिजाइन करूं, उसका सिलेबस डिजाइन करूं, उसके वो डिजाइन करूं, फिर उसको अप्रूवल के लिए भेजूं, वहां एक कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठकर उसमें जो है कमियां निकालेगी, फिर मैं जाकर प्रेजेंटेशन करूं, फिर ये करेंगे वो करेंगे। भाई मेरे इलाके में, मेरे एरिया में अगर मैं जैसे एक एसटी कॉलेज की ब्रांच बनूर में हूं, अगर मुझे लगता है कि इस एरिया में इस पर्टिकुलर कोर्स की जरूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी है, दे बिलोंग टू रूरल एरिया और व्हाटएवर मे बी, आई शुड बी फ्री टू डिजाइन द कोर्स फॉर देम। मैं किसके लिए कोर्स डिजाइन कर रहा हूं? स्टूडेंट्स के लिए, और कौन से स्टूडेंट्स? जिनकी जरूरत है। तो इसके लिए मेरे को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और फैकल्टी को भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अगर ऑटोनॉमी आएगी तो इसके लिए, इस विजन को अचीव करने के लिए आपको करिकुलम चेंज करने पड़ेंगे, आपको मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग चेंज करनी पड़ेगी, असेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी, और ऑफ कोर्स आपको स्टूडेंट्स की सपोर्ट भी चाहिए, और रीअफर्मिंग द इंटेग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजिशन थ्रू मैरिट अपॉइंटमेंट्स एंड कैरियर प्रोग्रेशन। शुक्र है किसी डॉक्यूमेंट ने माना तो कि अभी हम मैरिट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, हम सिफारिश के बेसिस पर करते हैं। किसी ने माना तो कि कैरियर प्रोग्रेशन और मैरिट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भाई जब ऑटोनॉमी की बात आएगी और कंपिटिशन की बात आ जाएगी तो मैं तो उसी को हायर करूंगा जिससे जो है मेरा कॉलेज ग्रो करे, जिससे मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़िया हो, जिससे उनको प्लेसमेंट अच्छी मिल सके, जो उनको मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स के बारे में नो हाउ ट्रांसफर कर सके। मैं किसी को वैसे क्यों रखूंगा
which means that the once that the autonomy is there, then that the quality will also be to large extent taken care of. इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर पहली बार जोर दिया गया है. एक्चुअली इसका मैं देख रहा था कि पैरा नंबर 17.9 है जिसमें इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही है, और उसमें इन्होंने कहा कि ये एक रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी विच विल कम्पिटिटिवली फंड रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन्स एंड सक्सेसफुल रिसर्च विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वेयर रेलेवेंट इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लोज लिंकेज विद गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज विद इंडस्ट्री एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. ये पहली बार ऐसी बात हुई है. अगर अगर हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पर या इवन किसी किसी को अगर मैं कहूं कि मेरे को इस चीज के ऊपर रिसर्च करना है और रिसर्च करके मैं अपने एक उसको प्रेजेंट करूं और इसको माना जाए कि भाई बात तो ठीक है इसकी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और मैं कहूं कि सर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस फैक्ट्री वालों से मैंने बात किया है, इस इंडस्ट्री से बात किया है, दे आर ऑल्सो वेरी कीन एंड विलिंग, तो ठीक है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. और इस चीज को पहली बार इस पॉलिसी में एनकरेज किया जा रहा है, विच मीन्स दैट इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड द इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव इसको प्रमोट किया जा रहा है बाई एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. एंड governance of higher educational institutions by highly qualified independent boards having academic and administrative autonomy. ये भी मैं इसको डिटेल में पढ़ रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैरा नंबर 18.2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, जहां पर उन्होंने चार वर्टिकल्स की बात कही है कि दैट ऑन द टॉप firstly that the ministry will be called ministry of education and four structures will be set up as four independent verticals within one umbrella institution, that is HECI, higher education commission of india. Iske under jo hai wo char aur verticals jo establish karne ja rahe hain. Pehla hai national higher education regulatory council, jiska kaam kya hoga, jisme isme it will function as the कॉमन और द सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर, जिसमें टीचर की एजुकेशन इन सारी चीजों को होगा. हाँ, मेडिकल और लीगल को अलग उन्होंने एक वर्टिकल बनाया है. सो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एक जो है बनाई जाएगी. दूसरा NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक वर्टिकल होगा. तीसरा HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जिसका काम होगा फंडिंग करना, फाइनेंसिंग करना, ट्रांसपेरेंसी देखनी वगैरह वगैरह वगैरह. और चौथा होगा GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, विच विल फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, तो स्पेशली ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, इन अदर वर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, HEGC, Higher Education Grants Council, and GEC, General Education Council. ये स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि इसमें हम इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होंगे और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी उनको पूरी दी जाएगी. और ऑफकोर्स इस बात को जो है एक फैशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइट बट टाइट. पता नहीं ये कितना कितना लाइट होगा, मुझे तो सब कुछ टाइट ही लगता है, टाइट बट नॉट टू टाइट हो सकता है, बट दिस इज दैट द एम एंड विजन ऑफ द न्यू पॉलिसी. इसके अलावा इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन थ्रू ए रेंज ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स बाय प्राइवेट फिलान्थ्रोपिक यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग मटीरियल, उस सबको प्रोवाइड करना. ये एक एक आपने देखा कि जो मैंने बताया कि किस तरह से वर्टिकल्स खड़े करने जा रहे हैं, हर वर्टिकल का क्या क्या रोल होगा. और उससे पहले मैंने बताया कि अल्टीमेटली हायर एजुकेशन पॉलिसी अचीव क्या करना चाहती है. कुछ डिटेल में चलते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ. इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, मेन थ्रस्ट क्या है? मेन थ्रस्ट ये है कि हायर एजुकेशन में फ्रेगमेंटेशन को तोड़ दिया जाए. अगर मेरा कॉलेज कॉमर्स के लिए है तो सिर्फ कॉमर्स ही नहीं पढ़ाए, वहां पर और चीजें भी होनी चाहिए. कौन सी और चीजें होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, किस तरह से डिसाइड की जाएंगी, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है.
क्या वो जो वर्टिकल है कंट्रोल वाले वो डिसाइड करेंगे, लेकिन जब वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली दैट द कॉलेज इटसेल्फ विल डिसाइड, बट दिस इज श्योर दैट द कॉलेज विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस ठप्पा ऑफ कॉमर्स कॉलेज और दिस कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज और टीचिंग ओनली इंजीनियरिंग और मेडिसिन, दे विल हैव टू इनकॉर्पोरेट अदर डिसिप्लिन्स आल्सो। और यहां पर एक मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही, मैं चाहूंगा कि जैसा शुरू में कहा था कि एक पॉइंट नोट किया जाए कि ये जो सो कॉल्ड क्लस्टर या नॉलेज हब बनाने की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ विच विल एम टू हैव 3000 और मोर स्टूडेंट्स, मुझे इसका मैंने पूरा डॉक्यूमेंट छान लिया, ये क्या क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर का मतलब क्या होगा, एक अगर 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जैसे अंबाला में आपके 6 कॉलेजेस हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक क्लस्टर के अंडर आ जाएंगे, वो क्लस्टर के अंडर आकर जो है उनको कंट्रोल कौन करेगा, उनकी मैनेजमेंट क्या होगी, उसका क्लस्टर की डेफिनेशन क्या है, ये इसके बारे में इस पॉलिसी ने अभी कुछ नहीं बताया। मुझे ये पॉइंट है कि इसमें दे शुड हैव गिवन एटलीस्ट वन और टू सब पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द रोल एंड द न्यू शेप ऑफ द सो कॉल्ड क्लस्टर, बट सिर्फ दो लाइनें डाल दी कि 300,000 और मोर स्टूडेंट का क्लस्टर होगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या है, दिस इज द पॉइंट विच नीड्स टू बी गॉन थ्रू एंड टू बी अंडरस्टूड, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी बिग 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 कंफ्यूजन एंड देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर ये इन्होंने क्लस्टर चीज को क्लियर नहीं किया। डिफरेंट मैनेजमेंट है, डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत इश्यूज हो जाएंगे। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्लस्टर का मामला है। हो सकता है बाद में उनको लगे कि यार ये क्लस्टर व्लस्टर को छोड़ो ऑटोनॉमी के ऊपर करें, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट दे आर टॉकिंग एज ऑन डेट अबाउट क्लस्टर। उनका क्या है डॉक्यूमेंट का क्या कहना है कि क्लस्टर होने से इट विल एनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम वेल राउंडेड अक्रॉस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग दीज एक्टिविटीज। मैं जो समझ में मुझे आया है, अंबाला में एक एसटी कॉलेज है, अंबाला में कोई दूसरा कॉलेज है, भाई इस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, दूसरे कॉलेज में जो है ये म्यूजिक बड़ा स्ट्रांग है, तीसरे कॉलेज में स्पोर्ट्स बड़ा स्ट्रांग है, एसटी कॉलेज में ये बड़ा स्ट्रांग है, तो सारे जो है कॉलेज क्लस्टर के अंडर आ गए, मैं इसके लिए इधर जाऊं उसके लिए उधर जाऊं। ये अगर मैं इस तरह से समझाऊं तो मैं चाहूंगा कि ये मेरी समझ गलत निकले, क्योंकि इट इज गोइंग टू क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स। I could not understand it. What they mean. So, मैं चाहूंगा कि जो आज सेमिनार में आप सभी लोग एजुकेशनल्स बैठे हुए हैं, या इस चीज को अगर जानते हैं तो शेयर करें, मुझे भी एजुकेट करें, अगर क्लियर नहीं है तो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम इन दिस पॉलिसी। डेवलप एक्टिव रिसर्च कम्युनिटीज अक्रॉस डिसिप्लिन्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये करना ही करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने। रिसोर्स एफिशिएंसी मटीरियल एंड ह्यूमन को बढ़ाना है, ये भी बहुत सही बात है, इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, इससे बढ़ेगा क्लस्टर। फिर मैंने इसको जानने की कोशिश की भी ये क्लस्टर क्लस्टर कर रहे हैं, ये चक्कर क्या है क्लस्टर, उसमें ये लिखा गया है मूविंग टू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लस्टर इज द हाईएस्ट रिकमेंडेशन। भाई हाईएस्ट रिकमेंडेशन है, इसकी उसकी डिटेल कहीं है नहीं है। यूनिवर्सिटी विल मीन ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ हायर लर्निंग जहां पर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों होंगे, हाई क्वालिटी होगी, यूनिवर्सिटी का मतलब ही यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी कोई भी उठाकर देख लो, आज भी वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वहां हर कोई चीज है अवेलेबल है, वहां पर थिएटर भी है, वहां पर ड्रामा भी है, वहां कल्चर भी है, सब कुछ है, तो फर्क क्या हुआ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस कॉलेज विल रेफर टू ए लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, तो एक तो होगी यूनिवर्सिटी की बात, दूसरा के ऑटोनमस जो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होगा वो भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का काम करेगा। अब आप इस चीज को समझिए, एक कॉलेज है, उसको मैं जैसे मैं 10 दिन से इसको सोच रहा हूं, और मैं भी सोच रहा हूं कि हम भी इसके ऊपर काम करना शुरू करें। भाई हमारा बनूर में कॉलेज है, वहां पर बीए है, बीबीए है, बीकॉम है और एमकॉम है, अब हम कहें कि हमने उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, क्या बनाऊं मैं वहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी, भाई वहां पर मैं म्यूजिक स्पोर्ट्स ये वो सारी जो फैसिलिटीज हैं उसको मैंने इक्वल लेवल पर अगर लेकर आना, आई रिक्वायर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर रिक्रूटमेंट दिस थिंग दैट थिंग, विच मीन्स दैट द ऑलरेडी द कॉलेज विच इज ऑन इन ऑन ह्यूज लॉस, इट्स लॉस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली विद इन कपल ऑफ ईयर्स। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अगर मैं मल्टी डिसिप्लिनरी को बना भी दूं तो उसको मैं चलाऊंगा कैसे। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि या तो यूनिवर्सिटी हो या मल्टी डिसिप्लिनरी हो, और अगर एक कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं कर सकता है तो वो क्लस्टर में आ जाए।
क्लस्टर में कैसे आएगा? मेरे से नियरेस्ट कॉलेज जो है 15 किलोमीटर है, मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि कुछ दिन वहां जाकर क्लास लगाओ, कुछ दिन यहाँ आकर क्लास लगाओ। ये इट्स ए थॉरो कंफ्यूजन एज फार एज आई एम कंसर्न। आई माइट हैव नॉट अंडरस्टूड इट, बट एज फार द डॉक्यूमेंट इज कंसर्न देयर इज नथिंग क्लियर। कॉलेजेस विल बी एनकरेज्ड, मेंटर्ड, सपोर्टेड एंड इंसेंटिवाइज्ड, ठीक है, टू ग्रेजुअली अटेन द मिनिमम बेंचमार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्रीडिटेशन। ये भी बात ठीक है, ये करना पड़ेगा सारा। और इसको पढ़ते पढ़ते जब आज सुबह जो है, जब आप अभी सेमिनार शुरू नहीं हुआ था उसमें मैं ये प्रिंट और निकाल कर कुछ रखा हुआ था, वो पॉइंट मैंने पढ़ा, मैंने सोचा भी टाइम नहीं है मैं प्रेजेंटेशन में इसको ऐड कर पाऊं, लेकिन अभी क्योंकि ये स्लाइड आई है तो मैं भूल ना जाऊं, ये थोड़ा सा अलग से है, भूल ना जाऊं, मैं पॉइंट अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पैरा नंबर 18.12 क्या कहता है? कर्बिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल मैकेनिज्म विद चेक एंड बैलेंसेस विल कॉम्बैट एंड स्टॉप द कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। दिस विल बी ए की प्रायोरिटी ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम, वो जो चार वर्टिकल उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका काम होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये गलगोती और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिन्होंने बिजनेस को जो है क्या कहें कि डाइवर्सिफाई किया है, अपने कोर बिजनेस को छोड़कर एजुकेशन का बिजनेस करना शुरू कर दिया प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो प्रॉफिट पर नहीं चलेंगे। मुझे ये इस लाइन से तो ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, सरप्लसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 18.12 पैराग्राफ में, सरप्लसेस इफ एनी विल बी री इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर। इसका मतलब अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऑडिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पता चले कि इसने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, दैट प्रॉफिट इट विल हैव टू री इन्वेस्ट बाई इन द एजुकेशन ओनली। अगर ये 18.12 पैरा को इस हिसाब से देखा जाए और रेगुलेटरी बोर्ड इसको इंप्लीमेंट करे, इसका मतलब कि कोई भी एजुकेशन को बिजनेस की तरह नहीं चलाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर शेयर करता हूं। GGDST कॉलेज सेक्टर 32 एक सोसाइटी के अंडर है, इससे जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट से हम एक नया कॉलेज खोल देते हैं, वो नया कॉलेज कुछ साल के लिए लॉस में होता है, हम प्रॉफिट से उस लॉस को बराबर करते हैं, और जब वो नया कॉलेज है अपने पैरों पर खड़ा होकर प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो जाता है, हम एक नया कॉलेज शुरू कर देते हैं। विल इट हैपन? इफ इट हैपन्स दैट इट विल बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनी हो बात सॉरी, मैं मेरे मन में पॉइंट था, मैंने कहा मैं बताना है, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने वो पेपर अपने पास रख लिया था। कमिंग बैक टू ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस, के स्टेट वाइज मैकेनिज्म जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, कॉलेजेस को एनकरेज किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा मिनिमम बेंचमार्क्स उसके अटेन करने के लिए, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज एनविसेज दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज और ए कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब या तो अपने आप में वो ऑटोनॉमस बन जाए या इतना बड़ा बन जाए कि उस यूनिवर्सिटी का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इट वुड बी फुल्ली ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटी कॉलेजेस कुड इवॉल्व इनटू रिसर्च इंटेंसिव और टीचर इंसेंटिव यूनिवर्सिटी। इन अदर वर्ड्स के ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ये दो चीजों को अगर आप समझ लें, इसकी तरफ को फर्स्ट स्टेज में ये चलने की बात एजुकेशनल पॉलिसी कह रही है। थोड़ा सा मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे इसको भी समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी जनरल साहब, हाँ जी, मुझे लगता है कि आपकी स्क्रीन शायद प्रॉपरली शेयर नहीं हो पा रही, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं जरा? मुझे लगता है बीच में एक दो लोगों ने शेयर किए अपनी स्क्रीन, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन शायद अभी करते हैं। हाँ, इसको प्लीज रीशेयर करें, और पार्टिसिपेंट से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि फिर स्पीकर के लिए बड़ी मुश्किल होती है और बाकी लोगों के लिए भी, वो स्क्रीन नहीं देख पाते। और आप लोगों को अभी थोड़ी देर में हम लिंक शेयर करेंगे रजिस्ट्रेशन का, और उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। ये मैं अभी जो जहाँ मैं बजट उसकी ये बात कर रहा था वहां तक क्लियर था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
ओके मैं अभी प्लीज, ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखें क्योंकि सारा लिंक टूट जाता है विचार का। ये जी मैं कहां पर था? हाँ, अटॉनमी ऑफ कॉलेज। हाँ जी 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 रीस्ट्रक्चर एंड कंसोलिडेशन हो गया था का ये क्लस्टर अटॉनमी टू कॉलेजेस पर था ना मैं? हाँ जी हाँ जी, इसी विषय पे थे। ओके प्लीज ज्ञान की दुनिया जी, प्लीज आप क्या कर रहे हैं? ये फिर कोई सज्जन पुरुष ज्ञान की दुनिया, प्लीज आप अपना ज्ञान यहाँ मत अभी करें, प्लीज विड्रॉ करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें। सर आपका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज आप अपना मत शेयर कीजिए। मुझे मालूम नहीं क्या नाम है उनका। आ रही क्लियर आ रही स्क्रीन पर? सर स्क्रीन पे वही है, बीच में एक सज्जन पुरुष हैं, किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है दोबारा, ज्ञान की दुनिया नाम रखा हुआ है। प्लीज आप, मैं अभी रिक्वेस्ट करके हटाऊं, फिर आप लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, मुझे नाम नहीं पता उनका एक्चुअली, जिन्होंने भी ये स्क्रीन शेयर की थी अभी। okay. आप दोबारा कर दीजिए स्क्रीन शेयर। मैं दोबारा कर रहा हूँ जी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान रखिए। सारा वो जो धारा है ना, विचार की धारा टूट जाती है। जी आ रहा क्लियर आ रहा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके अटॉर्नी टू कॉलेजेस पर था। यस प्लीज। और स्टेज वाइज मैकेनिज्म ग्रेडिंग ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस बनाया जाएगा एंड द कॉलेजेस विल बी एनकरेज्ड सपोर्टेड इंसेंटिवाइज्ड। हाँ यहाँ पर था मैं, दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप आइदर इनटू एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। सो अगर आप इसको मोटे तौर पर देखें कि अब एक यूनिवर्सिटी मल्टीडिसिप्लिनरी बनना है और कॉलेज जो है उसको ऑटोनॉमस कॉलेज बनना, वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी ही होगा। और अगर कोई कॉलेज मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं बन रहा तो पार्ट ऑफ क्लस्टर होगा। ये पार्ट ऑफ क्लस्टर वाली चीज पॉलिसी में थोड़ी सी कंफ्यूज वाली भी है, वेग है और डिटेल में नहीं है। एनीहाउ मैं यहां पर था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनने के ऊपर जो उन्होंने कहा है बाय 2040। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कल की बात है, 2040 दैट इज द अल्टीमेट एम, ऑल HEIs शैल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। याद कीजिए शुरू में कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, कम से कम दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको ऑटोनोमस होना चाहिए और ऑटोनोमस होने के साथ साथ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब कि मैं इसको अपने कॉलेज पर लेता हूं कि अगर आज मेरा कॉलेज बनूर में जो है इसको मैंने मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना, ये नहीं कि मेरे को दो साल के अंदर बनाना, मेरे पास पांच साल का, छह साल का, सात साल का, दस साल का समय है। और दूसरे once you do the things practically you cannot make a college multidisciplinary in all fields, you will keep on adding couple of things in a year, in the 2 years, 3 years, 5 years, etc. But this is the vision and the ultimate objective of the education policy. This process will take time, hence all HEIs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030, then gradually increase student strength. Ab dekhiye pehle unhone kaha ki cluster mein aakar 3000 ki strength hogi, फिर पैरा 10.7 में कहा कि अच्छा कोई बात नहीं स्ट्रेंथ बाद में करना, पहले अब मल्टीडिसिप्लिनरी 2030 तक बन जाओ। भाई जब अगर मैं 2030 तक जो है मल्टीडिसिप्लिनरी बन गया तो मेरी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लेकिन ये 3000 की कंडीशन लगाने का मुझे लगता है कि कोई लॉजिक नहीं था। इट शुड हैव बीन दैट भाई आप मल्टीडिसिप्लिनरी बनो, वंस यू आर ए मल्टीडिसिप्लिनरी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, व्हाई द स्टूडेंट्स विल गो टू फॉर दिस थिंग टू प्राइवेट कोचिंग, वो म्यूजिक सीखने शाम को कहीं जाएगा, वो गर्मियों की छुट्टियों में कुछ वो जूडो कराटे सीखेगा, वो सीखेगा, आपके इंस्टीट्यूशन में सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये नहीं कि भाई हर किसी ने जूडो की क्लासेस शुरू कर ली, वंस दैट वी हैव द सर्वे के दैट आउट ऑफ सो मेनी डिसिप्लिन दीज 3, 5, 7, 10 डिसिप्लिन शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एंड फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल। सिंगल स्ट्रीम HEIs विल बी फेस्ड आउट ओवर टाइम, पटना चल
they will move towards becoming vibrant multidisciplinary institutions or parts of vibratory cluster in order to enable and encourage. Halanki ye cluster wala baat jo humne discuss kiya hai. Single stream HEIs will in particular add departments across different fields. बिल्कुल सही बात है. आपको जो है पता चले कि दैट आपने यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी है, फिर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर विलिंग टू ज्वाइन मोर देन 10, 15, 20. तो इनिशियली यू माइट हायर वन फैकल्टी मेंबर, बट परहैप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल हैव टू ओपन इट डिपार्टमेंट. बिल्कुल सही बात है, वो तो चलेगा, ऐसे होगा. अरे 10-12 क्या कहता है, न्यू रेगुलेटरी सिस्टम will foster this overall culture of empowerment and autonomy. वो जो मैंने एक एक उसमें वर्टिकल बताया कि एक इसमें रेगुलेटरी सिस्टम है जो ओवरऑल इसको कंट्रोल करेगा और रिव्यू करेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि अटोनमी के साथ साथ इनोवेशन और ग्रेजुअली फेजिंग आउट द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस. 15 साल में, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, आने वाले 15 साल में एफिलिएटेड कॉलेजेस को हटा दिया जाए और ग्रेडेड अटोनमी, कि शुरू में आपको अटोनमी है, इसका लेवल जो है नैक ने आपको ये ग्रेड दिया हुआ है, अब धीरे धीरे आप फुल अटोनमी की तरफ को चलते चलिए. ईच एग्जिस्टिंग एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस. ये किताबी बात लगती है, कोई यूनिवर्सिटी कोई स्टेप नहीं लेगी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को किसी तरह के लिए उनको मेंटर करने के लिए. वो आज की तरह पर जो प्रैक्टिकल हमने देखते हैं यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस को क्या सपोर्ट आती है, क्या उनको वो हेल्प करते हैं, उसके लिए वो जो आएगा वो थोड़ा बहुत जो भी है वो आएगा. बट अल्टीमेट थिंग इज दैट एवरी कॉलेज आई फील दैट शुड स्टार्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग टू स्टैंड इट्स ओन फीट फॉर द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. More holistic and multidisciplinary education. इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है. एक्चुअली मैं पहले जब ये प्रेजेंटेशन बना दी, मुझे लगा कि ये पैरा मेरे को पहले लाना चाहिए था, पर मेरे से गलती हो गई. फिर वो अब इसको जब मैंने पढ़ा, पहले मैंने सोचा था कि इसको छोड़ दूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है. 64 कला संपूर्ण की बात हम क्या करते थे, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया. बाणभट्ट की कादंबरी में ये मेंशन किया हुआ है. 64 कला संपूर्ण मतलब सिंगिंग, पेंटिंग, साइंटिफिक फील्ड्स, केमिस्ट्री. आज के जमाने में सॉफ्ट स्किल्स भी है, कम्युनिकेशन या डिस्कशन, व्हाटएवर में भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत कैसे करना है. तो ये जो 64 कला की बात है, जिसमें तक्षला और नालंदा की यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल दी जा रही है, जहां फॉरेन से स्टूडेंट्स आया करते थे, इसकी तरफ हमने फ्यूचर में चलना है. और दिस रोल मल्टीडिसिप्लिनर एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनर यूनिवर्सिटीज इन फ्यूचर विल प्ले. इट मीन्स के तक्षला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज हमें अपने देश में एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. डिपार्टमेंट्स इन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, इंडोलॉजी, आर्ट, स्वयं सो एंड ऑल सब्जेक्ट्स नीडेड फॉर ए मल्टीडिसिप्लिनरी स्टिमुलेटिंग इंडियन एजुकेशन एनवायरमेंट विल बी एस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन्ड एट ऑल HEIs. जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में 5 स्टूडेंट हैं, आप एक किसी फैकल्टी को हायर करेंगे, फिर 5 के 10 या 15 होते हैं, सो यू एस्टेब्लिश ए डिपार्टमेंट. अब बात ये नहीं है कि ये 35 डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने हैं, बात ये है कि उन स्टूडेंट्स की लोकेलिटी को देखते हुए, नीड नेसेसिटी को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि यहां पर 3, 4, 5 इतने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने की नौबत आ गई है, देन योर कॉलेज विल बिकम ए मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज. And it means that it is moving step by step to become an autonomous college. Or culture department establish कर देता है. It means that the departments भी हो गए और साथ साथ जो है strength भी होगी. So this college should seek its status from the higher ministry of education to become a proper autonomous university also. So पहले आप college हैं, फिर आप ऑटोनोमस होइए, साथ साथ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेकर आइए, और उसके बाद आप ऑटोनोमस कॉलेज से एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की तरफ को चलिए. क्रेडिट्स विल बी गिवन इन ऑल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर दी सब्जेक्ट्स इफ दे आर डन फ्रॉम सच डिपार्टमेंट्स और थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू. मतलब अगर किसी वजह से इंस्टीट्यूशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू है, तो तब भी जो है इन सारी चीजों को वो फैसिलिटी उनकी प्रोवाइड की जाएगी एक इंस्टीट्यूशन. फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव करिकुला ऑफ ऑल HEIs शैल इंक्लूड क्रेडिट बेस्ड कोर्स एंड प्रोजेक्ट्स इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन.
इस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया है, इसकी डिटेल्स जो है वो बाद में आएंगी. एनवायरमेंट एजुकेशन विल इंक्लूड, फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी ने माना है कि एनवायरमेंट एजुकेशन एक सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है आते जाते टच करने का, इसमें क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह वगैरह, इतने ज्यादा इसमें एरियाज हैं जिनके ऊपर एम्फोसिस करने की जरूरत पड़ गई है. इट ऑल्सो मीन्स दैट विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस द न्यू सब्जेक्ट्स एंड द न्यू टॉपिक्स इट्स नीड हैज बीन फेल्ट. और इसमें इन्होंने, मैंने इसको कवर नहीं किया, जैसे ये एनवायरमेंट एजुकेशन की बात है इसी तरह से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स की बात भी कही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. और इसी तरह से एथिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी शुरू में बात की गई थी कि सत्य धर्म शांति और प्रेम अहिंसा, इन सारी चीजों को जो हमारी भारतीय कल्चर की जिसकी जड़ है, जिसका बेस है, उसको जो है प्रमोट किया जाएगा. लेसन्स इन सेवा सर्विस एंड पार्टिसिपेट कम्युनिटी सर्विस विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए होलिस्टिक एजुकेशन. अब देखिए, हम फॉरेन कभी कभी जाते हैं, हम कहते हैं कि वहां डिसिप्लिन बहुत है. डिसिप्लिन दो वजह से है, होता है, एक या तो डर की वजह से या उनकी पार्ट ऑफ कल्चर. हमारे यहां ना डर है ना कल्चर है, बातें जरूर है, ना डर है ना कल्चर है. पहली बार एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती कि यार कम से कम डर तो अपना रोल प्ले करे, हम बचपन से बच्चों को कुछ चीजें जो है एजुकेशन के थ्रू सिखाएं तो सही, जो किसी जमाने में घरों में सिखाई जाती थी. अब घरों में तो नहीं सिखाते, तो कम से कम जो है कॉलेजेस और स्कूल से सिखाना शुरू किया जाए. तो इन सारी चीजों के ऊपर फर्स्ट टाइम इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया जा रहा है. और देखिए विजन की बात, देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, डी से क्या बना, और डी पता नहीं कैसे रह गया, डेवलपमेंट होगा या ऐसे होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन डेवलपमेंट कह लीजिए, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस, जिससे ये एक कैसे होगा, मैं आगे एक स्लाइड आएगी उसमें ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग आल्सो. स्टूडेंट्स एट ऑल HAs विल बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप विद लोकल इंडस्ट्री, बिजनेस, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन. अभी हम क्या करते हैं, हम प्लेसमेंट सेल खोलते हैं. प्लेसमेंट सेल खोल के हम कहते हैं कि हम जो है आप कंपनीज को बुलाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार करवाएंगे, सो दैट यू कैन हैव ए जॉब. यहां पर ये बात क्या हो रही है कि आप उनकी इंटर्नशिप जो है करवाएंगे लोकल इंडस्ट्री, बिजनेस, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन एक्सेट्रा के साथ, और एज वेल एज रिसर्च इंटर्नशिप भी करवाएंगे कि किसी को रिसर्च करनी है, रिसर्च स्कॉलर के साथ जाकर जो है वो उनकी इंटर्नशिप करे, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल जो नो हाउ है और उसके साथ वो शुरू से जो है अपने आप को जुड़े और उनको एम्प्लॉयबिलिटी होनी शुरू हो जाए. सो दिस इंटर्नशिप जो अभी क्या है, इट्स ओनली देयर द इनिशिएटिव टेकन बाय सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू हैव द इंटर्नशिप, बट दिस बिकम्स ए पार्ट ऑफ द पॉलिसी. आई थिंक दैट जब बाद में NAC कॉलेजेस को चेक करेगा, उन सारी चीजों को देखेगा कि आपने कितने स्टूडेंट्स को कहां कहां किस तरह की इंटर्नशिप करवाई है, कितनी रिसर्च करवाई है, एंड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी द एलोकेशन ऑफ द ग्रांट्स एंड द फंड्स टू द कॉलेजेस. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी चेंजिंग सिनेरियो फॉर द इंस्टीट्यूशन. स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. अंडर ग्रेजुएट, ये एनसीसी कैडेट्स कह लीजिए या और लोगों के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ आइदर 3 or 4 years. With multiple exit options within this period, with appropriate certificate, that is, a certificate after completing 1 year in a discipline or field, or a diploma after 2 years of study, or a bachelor's degree after a 3-year program. अब ये point भी आशुतोष जी थोड़ा note करने वाला है कि अगर कोई एक साल का course पढ़ाई करके certificate लेकर छोड़कर चला जाए, भाई उसको क्या market में उसको job दे देंगे, कोई उसको कहाँ का CEO बना दिया जाएगा? कि भी अच्छा है भी तू एक साल के बाद सर्टिफिकेट लेकर आ गया, तेरे को मैं क्या करूं, उसको 5,000, 7,000, 8,000 से जॉब कौन देगा? वो कहां पर जो है वो जो बिग बाजार में जाते हैं जहां वो बिलिंग होती है, बिलिंग के साथ एक लड़का या लड़की खड़े होते हैं जो लिस्ट में से देखकर सामान चेक करते हैं थैले में डालने के लिए, इससे ज्यादा उसको क्या मिलेगी? सो दिस एग्जिट आई थिंक इट्स ए आई डोंट एग्री विद दिस थिंग. इट रिक्वायर्स टू हैव ए रीलुक. देयर शुड नॉट बी एनी एग्जिट थिंग कि आप ऐसा करो एक साल के बाद सर्टिफिकेट लेकर चले जाओ. वो क्या करेगा सर्टिफिकेट का, वो क्या करेगा उस डिप्लोमा का? वो तब होगा अगर वो सिर्फ एंड सिर्फ
प्रोफेशनल और टेक्निकल नो हाउ में हो, कि अगर किसी कॉलेज में कोई मान लीजिए, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर किसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स का कोई एक शुरू कर दिया जाता है और उसको कहें कि तुम ऐसा करो एक साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स करो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स का, वो क्या करेगा? बाहर जाकर जो है किसी दुकान में जो है वो मैकेनिक का काम करेगा, उसको 8-10 हज़ार से रुपया कौन देगा? तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि इस चीज को देखने की जरूरत है, बट एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न दिस दे आर ऑफरिंग एज ऑन डेट. 4-year multidisciplinary bachelor's program shall be the preferred option. Preferred option kya bhi? It should be the option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education. Ab wo upar wali baat iske sath match nahi karti. Aap keh sakte hain ki nahi wo gareeb hai, wo afford nahi kar pa raha. We you support him. Usko scholarship dijiye. Lekin uska mental level, उसका एजुकेशन लेवल, उसका पूरा जो है उसकी ग्रोथ जो है 2 साल या 3 साल में इतनी कीजिए कि जब वो मार्केट में जाए तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपए की जॉब के लिए तो वो उसको आप इंटर्नशिप इंडस्ट्री के साथ करवा के कीजिए. तो ये इस पॉलिसी में मुझे ये बात जो है कुछ समझ में भी नहीं आई या कह लिए जची नहीं है. उसके बाद ये बात क्या करते हैं, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैल बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज. वो ठीक है, अपना डेटा बैंक जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं. 4-year प्रोग्राम में आल्सो लीड टू अ डिग्री विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रैकेट में आना था रिसर्च इफ द स्टूडेंट कंप्लीट से रिगुरस रिसर्च प्रोजेक्ट इन द मेजर एरिया. कि अगर वो 4 साल में साथ साथ रिसर्च भी करता है तो उसमें डिग्री के साथ रिसर्च करेगा तो वो उसको वेटेज भी मिलेगी और रिसर्च प्रोजेक्ट के को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी. पैरा 11.10 क्या कहता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम. अभी तो पहले ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात हो रही थी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री और 4-year प्रोग्राम. ये क्या कहते हैं, देयर मे बी अ 2-year प्रोग्राम विद द सेकंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3-year बैचलर्स प्रोग्राम. मतलब अगर इस पॉलिसी को 2022 में इंप्लीमेंट करना और किसी लोगों ने 3 साल का बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया तो उनके लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो सकता है. फॉर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग ए 4-year बैचलर्स प्रोग्राम विद रिसर्च देयर कुड बी ए 1-year मास्टर प्रोग्राम. ये जो 4 साल का कंप्लीट करेंगे उनके लिए है रिसर्च के साथ. देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5-year बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम. अब ये मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने बैचलर्स ऑब्लिक मास्टर्स लिख दिया फिर वो पहले वाले के साथ कंफ्यूजन कर दिया. आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 5-year बैचलर प्रोग्राम लगा रहे हो, ऑब्लिक मास्टर प्रोग्राम लगा रहे हो, ये कुछ विरोधाभास सा मुझे लगा है. But they say that undertaking a PhD shall require either a master's degree or a 4-year bachelor degree with research. चलो ये बात मान लेते हैं कि 4 साल की bachelor degree with research हो या आपने 3 साल के बाद जो है वो कर लिया अपना 2 साल का वो master's कर लिया तब आप PhD के लिए apply करो. But I feel that with the passage of time this so-called 3-year will also vanish क्योंकि जब वो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खत्म हो जाएंगे तो इट विल बी 4 years बैचलर डिग्री ओनली. ऑफ कोर्स एग्जिट ऑप्शंस तो उन्होंने लगाकर रखे हुए हैं. एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड. दिस दे हैव इन वन लाइन मेड इट क्लियर. मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पार विद IIT IIM आल्सो कॉल्ड मेरू. अब इन्होंने नया नाम दे दिया कि हम जो है इनको कहेंगे मेरू. मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज विल बी सेट अप and will aim to attain the highest global standards in quality education. ठीक है, अच्छी बात है. HEI will focus on research and innovation by setting up startup incubation centers, technology development center, centers in frontier areas of research, industry academic linkages, and interdisciplinary research including humanities and social sciences research. So different departments जो है वो establish किए जाएंगे रिसर्च के लिए कह लीजिए, टेक्नोलॉजी के लिए कह लीजिए, इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस के लिए. एंड गिवन द सीनियर ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स इट इज क्रिटिकल दैट HEIs टेक द लीड टू अंडरटेक रिसर्च इन एरियाज ऑफ दिस डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन वैक्सीनोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज एपिडेमियोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस विल डेवलप स्पेसिफिक हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म एंड कॉम्पिटिशंस. NRF नेशनल रिसर्च फंड जो उन्होंने मैंने शुरू में कहा था एक नेशनल रिसर्च फंड बनाने जा रहे हैं. इट विल फंक्शन टू हेल्प इनेबल एंड सपोर्ट सच ए वाइब्रेंट रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर. थोड़ा सा और
इसमें समझते हैं ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स को। अब पानी पी रहे थोड़ा, सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा समय को भी देखते हुए थोड़ा सा देख लीजिएगा, जस्ट 5 मिनट्स मोर। ठीक है सर, दैट्स वंडरफुल, जी 5-10 मिनट, नो प्रॉब्लम। तो क्या था, मैं ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी कि अपने कोर्स करिकुलम, जो शुरू में एक बात की थी उसको 12.2 में एक्सप्लेन किया, असेसमेंट को भी, पैडागोगी मतलब के पढ़ाने के तरीके को भी, और इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिशनल इन क्लास मोड्स करिकुलम एटसेट्रा विल बी डिजाइन बाय इंस्टीट्यूशंस एंड मोटिवेटेड फैकल्टी। ये तो ऑटोनॉमी की जब बात की है तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑटोनॉमी का मतलब ये कंप्लीट होगा कि आप अपने सिलेबस कोर्सेज रिव्यू दिस थिंग दैट थिंग सिलेक्शन एटसेट्रा जो आपको ठीक लगता वो कीजिए। ऑल असेसमेंट सिस्टम विल बी डिसाइडेड बाय द HEI, उसका पैरामीटर्स जो है वो बनाकर भेजेंगे, उनके ऊपर उनके हिसाब से आप उसको कीजिएगा। HEI shall move to a criterion based grading system. वो grading system लेकर आएंगे जो students की achievement को assess करेगा उनकी learning goals के हिसाब से, और they will move away from high stakes examinations. उसकी बजाय evaluation की तरफ को, जो continuous भी होगी, comprehensive भी होगी और periodic भी होगी, evaluation system उसको वो introduce करेंगे। इन सारी चीजों की detail उन्होंने कहा हम बाद में देंगे। Choice based, sorry, एक slide ऊपर से आ गई। Choice based credit system will be revised. Each institution will be committed to the holistic development of students and create strong internal system. ये उन्होंने उसमें भी mention किया हुआ है। ओहो, ये slide नीचे से ऊपर की तरफ उठा होगी। Institutional development plan. इसकी एक example part 3 में, all HEIs will have mechanism and opportunities for funding of topic centered clubs and activities organized by students. ये students को कैसे promote करना उसके लिए उन्होंने इस चीज को mention किया हुआ है। Especially economically disadvantaged background के students है उनके लिए university colleges जो है वो support centers establish करेगी, और counselings उनको provide की जाएगी, physical, psychological, emotional well-being की तरफ को देखा जाएगा, online and open distance लर्निंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, एंड ODL प्रोग्राम को काफी एक्सप्लेन किया है, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसकी एक्रेडिटेशन बनाई जाएगी कि किस कितने ODL प्रोग्राम्स हैं, ऑल प्रोग्राम कोर्स एटसेट्रा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ को अचीव करेंगे। यहाँ पर मैं ग्लोबल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक या दो स्लाइड में। वेरियस इनिशिएटिव्स मेंशन विल आल्सो हेल्प इन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर इतने डिपार्टमेंट खुलेंगे तो उनको इंडियन आर्ट, कल्चर, एस्थेटिक्स, लिबरल आर्ट, ये आर्ट, दुनिया जहान की चीजों में इंटरेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या है, कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन सब्जेक्ट्स एज इंडोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, आयुष सिस्टम, मेडिसिन, योगा, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, बियॉन्ड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंगेजमेंट, ये सारे इनके ऊपर एम्फोसिस किया जाएगा टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर, वो क्या करना चाहता है, किसको फोकस करना चाहता है, किस तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ अपने आप को उनको अट्रैक्ट करना चाहता है। इंडिया विल बी प्रमोटेड एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन, ये वही तक्षशिला नालंदा की बात आ गई है कि विश्व गुरु की बात आ गई है, जिस तरह से उस जमाने में यूनिवर्सिटीज में प्लेटो, अरिस्टोटल थे और लोग आया करते थे यहाँ पढ़ने के लिए, उसी तरह से एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस एट ईच HEI hosting foreign students will be set up. Research, teaching, collaborations and faculty student exchange will be facilitated. Relevant, mutually beneficial MOUs with foreign countries will be signed. अब यहाँ कोई कुछ कैच भी है जिसको मैं अभी समय कम है एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे इसको मैं थोड़ा सा आगे देखा उसमें आया, हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एनकरेज टू सेट अप कैंपस इन अदर कंट्रीज, a legislative framework facilitating such entry will be put in place, such universities will be given special dispensation regarding regulatory governance and content norms on par with other autonomous institutions. aap apne campus bahar bhi khologe, research collaboration student exchange between indian institution and global institution will be promoted. ye bhi isme ek baat hui hai, aur isse bhi badi baat kya aa rahi hai ki dusre country ke
यूनिवर्सिटीज भी हिंदुस्तान में आकर अपना कैंपस खोल पाएंगे, विच मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स एफडीआई इन एजुकेशन आल्सो, जिसके बारे में टर्मिनोलॉजी नहीं यूज किया लेकिन वो क्लियर कट है, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस वहां पर खोल पाओगे तो कल को जो है कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी यहां आकर अपना, फ्रेजर वैली ने अगर जीजीडीएसटी कॉर्नर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, टुमारो फ्रेजर वैली कैन से दैट देयर इज अ फ्रेजर वैली इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय दैम। अब यह किसमें गवर्नमेंट को सारे काम करने के लिए स्टेप्स क्या लेने हैं, गवर्नमेंट को फंड बनाने हैं, टारगेट्स पूरे उनको ले करने हैं, इसके अलावा जेंडर बैलेंस को भी ख्याल रखना है, हाई क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हर डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने हैं, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाने हैं जो लोकल इंडियन लैंग्वेजेस और बायलिंगुअल में पढ़ा सके, इसलिए उनको सपोर्ट करनी है, फंडिंग करनी है, हेल्पिंग हैंड देना है, होल्डिंग हैंड रखना है, इसके साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स भी देनी है पब्लिक और प्राइवेट जितने भी आएंगे, आउटरीच प्रोग्राम्स भी लेकर आने हैं, सपोर्ट टेक्नोलॉजी भी देनी है, उनको टेक्नोलॉजी नो हाउ भी पास ऑन भी करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस उसको भी ख्याल रखना है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी है, एडमिशन प्रोसेस को इंक्लूसिव करने के लिए करिकुलम को मोर इंक्लूसिव करना है, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी देखना है, इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी कहती है that 8% of the GDP will be invested. I think it is 8%. मैं कहीं गलत तो नहीं बोल गया, शायद 8% है या 6% है, 6% I think that will be of the GDP will be invested in the budgetary allocation. Yes, it is 6% of the GDP will be meant for the education, जो अभी तक 4% के आसपास रहा करता था। ये सारी जो है ये टास्क हैं जो उन्होंने अपने लिए लगा रखे हैं। ये मैं अभी सिर्फ को आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क, उनके विजन, उनके वर्टिकल्स के बारे में मेंशन किया है। इसमें आशुतोष जी इतने और चीजें हैं कि पार्ट टू नहीं, ये पार्ट फोर पार्ट फाइव चाहिए होगा। इसलिए इसमें जो मैंने आई हैव मेंशन इन बिटवीन कि मुझे ये चीज कुछ जची नहीं है, ये कुछ थोड़ी ऑड लगी है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं विच आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड आई विल से बाय इन द एंड दैट ऑन द पेपर एज फॉर द लैंग्वेज इज कंसर्न इट्स ए वेरी गुड डॉक्यूमेंट, बट वंस यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर सो मेनी इश्यूज which either they are aware or not aware, definitely they will be aware but they have not touched it or but natural in any policy document on issues problems ko discuss nahi kiya jata, wo background mein discuss ki jati hai, lekin issues hai, ab ye samay batayega ki aage ye iska kya hoga. dhanyawad dhanyawad general sahab, aapne bade khoobsurat tarike se ye sari baat hamare sath saanjhi ki hai और प्रपोजल्स और इश्यूज दोनों को साथ साथ आपने लिया है, ये आपके लेक्चर की एक बहुत खूबसूरत बात रही है और बहुत सारी जानकारियां आपने हमें ऐसी दी हैं जिनकी ओर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था, और जैसा कि आपने भी अपनी चिंता जाहिर की है इश्यूज के बारे में, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि टीचर को कैसे तैयार करेंगे, अध्यापक को कैसे इन सारे परिवर्तन के लिए हम तैयार करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने कोई, मुझे नहीं लगता है मेरी जानकारी में जितना है, किसी यूनिवर्सिटी ने कोई इनिशिएटिव अभी लेना शुरू नहीं किया, कॉलेजेस की तो बात ही बहुत दूर की है। तो कुल मिलाकर के अगर अगले साल से इन चीजों को लागू करना शुरू करना है तो उसके लिए सबसे पहले माइंडसेट को बदलना, उसके लिए जो एफर्ट्स किए जाने चाहिए, ग्राउंड वर्क किया जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चुनौती है, और लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएंगे, मुझे लगता है इसका भी जिक्र नहीं इस पॉलिसी में किया गया। लेकिन आपने बहुत विस्तार से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से हम सभी के लिए ये बातें सांझी की हैं, मेहनत करके आपने सांझी की हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। अब मुझे लगता है समय है कि हम लोग कुछ टिप्पणियां भी लें। एक मिनट ये बता दूं कि जैसा आपने ये अपना कंसर्न शेयर किया है, सी दैट था, मुझे ये लगता है कि अभी तक
हर कॉलेज या हर एक इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है उन मैनेजमेंट को या कॉलेज को अपनी फैकल्टी के साथ इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट कर देने चाहिए टू मेक द फैकल्टी अंडरस्टैंड कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। अभी तक तो हम वो शुरुआत ही नहीं की है, फैकल्टी के साथ इंटरेक्टिव सेशन ही नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई कंसर्न भी नहीं है, वो लग रहा है कि जैसे बस सरकार अपने आप कर ली, उसने पॉलिसी दे दी तो लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और उसके बाद जो है डिस्कशन हो वो हो इश्यूज को देखकर प्रॉब्लम को देखते हो, हर कॉलेज और मैनेजमेंट को अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही शब्द है कि रोड मैप के लिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वही होगा कि लास्ट में यूनिवर्सिटीज में जैसे पिछली बार हुआ था जब इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम लागू करना था और सिलेबसेस को रीडिजाइन करने के लिए कहा गया था, और सबसे भद्दा मजाक यूनिवर्सिटीज ने किया था कि उठा करके जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसको कहा कि आधा आधा कर दो, और जबकि कहा यह गया था कि सिलेबसेस को सेमेस्टर के हिसाब से रीडिजाइन करें। और मुझे लगता है इस बार भी यही कुछ होगा, एजुकेशन के नाम पे हम अपने आप को धोखा देंगे। चलिए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल टिप्पणियां हम ले लेते हैं जल्दी से। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणियां हैं आप लोग रख सकते हैं। जी सर्वप्रथम जी, सर्वप्रथम मैं जनरल साहब को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इसे उपस्थापित करने का प्रयास किया है। और उनके समस्त आख्यान के क्रम में एक बात मेरे मस्तिष्क में उभर कर आ रही थी कि अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम जो हमारे प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक चलती आ रही है उसको मैं तीन काल खंडों में विभक्त करता हूं, और पहला काल खंड है वो गुरुकुल का, जहां पर कि विद्यार्थी घर से निकलते थे और गुरुजी के यहाँ जाते थे और वहां पर उन्हें एक होलिस्टिक शिक्षा मिलती थी, और उस समय जो शिक्षा का स्वरूप प्रकट होकर के आया था वो कहता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनात आपनोति, धनात धर्मं ततः सुखम। वो संपूर्ण चीजों को अपने आप में समेटता हुआ जो शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि न मात्र मनुष्य को मनुष्य बनाता हो अपितु वो सारे वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी वो प्रदान कर देते थे कि गुरुकुल से निकलने के उपरांत वो आदमी बेकार न रहे। दूसरा कालखंड आता है अंग्रेजों के शिक्षा कालखंड का कि विद्यार्थी तो घर से ये क्या कहते हैं मुगलों का कि गुरुजी अब घर से निकलने लगे और विद्यार्थी के घर में जाकर के अध्यापन करने लगे, और वहां पर भी एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। और तीसरा है मुगलों का ये अंग्रेजों का कि विद्यार्थी भी घर से निकले, शिक्षक भी घर से निकले और कॉलेज और स्कूल में मिलते चले गए, और वहां पर भी हमारा पाठन पठन पाठन बड़ा अच्छा होता रहा। इसका एक कारण है कि इन तीनों पद्धतियों में गुरु शिष्य संबंध बना रहा और उस काल के जितने टीचर हुआ करते थे एक रोल मॉडल होते थे, वो ना मात्र नैतिक शिक्षा देते थे बल्कि वोकेशनल भी हम दे देते थे, और साथ ही उनके व्यक्तित्व से अनुप्राणित होकर के एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण होता था। और आज जिस कालखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं वह कालखंड बड़ा ही दुखद कालखंड है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी का वस्तुतः मिलन नहीं हो पा रहा। ये नई शिक्षा नीति उस प्राचीन और अर्वाचीन के बीच के में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और यही कारण है कि वो एक और एनवायरमेंट की भी चिंता करता है, वोकेशनल की भी चिंता करता है, और सबसे बड़ी जो चिंता वो कर रहा है वो है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की, मोरल वैल्यूज को इनकल्केट करने की। ये सारी चीजें हैं, चूंकि आख्यान बहुत ही विशद और बहुत व्यापक रहा है मैं बहुत सारा प्रकाश इस पर नहीं डाल सकता हूँ, इस कारण ही एक बार पुनः जनरल साहब को साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्र जी सर, डॉक्टर साहब अपने को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर रविंद्र जी सर अनम्यूट करें पहले अपने को। डॉक्टर रविंद्र सर अनम्यूट करें अपने को। नहीं नहीं आप अनम्यूट करें, नहीं हुआ।
सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर रविंदर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब हो गया क्या सर? जी जी बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। पहले तो सर मैं शौरी साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसके कारण एक उलझन आ गई किस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाए। मैं केवल सिर्फ अपना सर व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो इस समय करना चाह रहा हूँ, एक ही पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेजेस। सर मुझे ये लगता है, एक भय है मेरे को कि ये जो नई शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, ये निजीकरण की ओर ले जा रहा है, और उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन जिसे मैं बड़ा ब्लंट शब्द बोल रहा हूँ सर, इस समय साइकोफेन टीचर्स की भर्ती हो जाएगी। डेढ़ सौ आज भी यदि आप देखें सर, हमारे कॉलेजों में आशुतोष जी आप जानते हैं, दो प्रकार के तो सिलेबस बना दिए इन्होंने सब्जेक्ट, कुछ तो ऐसे हैं कि जो मैनेजमेंट ने बियर करने हैं जिनके खर्चे, कुछ वो हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। आप, मैं जानना चाहता हूँ इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ पर है कि एक मेरिटोरियस टीचर को अपॉइंट किया जाएगा, नंबर वन, उसकी क्या सुरक्षा है, नंबर दो, परिणाम क्या हो रहा है। सर आज मैं आपको बाय नेम बताना नहीं चाहता, मेरे को ये भी मालूम है कि एक कुछ कॉलेजों में कि वहां पर आज एक भी टीचर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल रेगुलर नहीं है, और जो मैनेजमेंट्स हैं मेरिटोरियस टीचर वो तब लगाएं जो खुद हों। तो मुझे तो ये लग रहा है सर, इसमें खतरा लग रहा है मेरे को जी, इसके ऊपर विचार किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा ही बैठा दिए बैठ जाए, क्योंकि ऑटोनॉमी के नाम पर। क्योंकि सर मैं दो मिनट और ले रहा हूँ सर, लगभग 15 साल पुरानी बात है, हमारे कॉलेज ने भी एक बार डॉक्यूमेंट दिया था कि हमारे कॉलेज को ऑटोनॉमस बनाया जाए, और उस समय अब सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ मैं नहीं जानता कि उस रिपोर्ट को भी कॉलेज को ऑटोनॉमस बनाया जाए। मेरे को कहा गया कि 5 दिन में आप इसकी रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। जी जी, कर दी मैंने तैयार, और मैंने बार बार कहा प्रिंसिपल से उस समय कि सर इसको रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले टीचर्स के साथ भी बात करें, लेकिन बोले समय नहीं है, हम नहीं करेंगे। नहीं हुआ, सबमिट हो गया, उसके बाद डिस्कशन शुरू हो गया, प्रिंसिपल साहब ने ऑटोनॉमस कॉलेज के पक्ष में बोला, और उसके बाद फिर मैंने बोला, जबकि मैंने खुद तैयार किया था सर डॉक्यूमेंट, और फिर उसके ऊपर मैंने कमियां बताई। तो मेरे से ये कहा गया कि गुप्ता जी ये बताइए कि जब आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो आप कमियां कैसे बता सकते हैं। तो मैंने उनको यही उत्तर दिया कि चूंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा है, इसलिए मैं अपने अप्रिहेंशन बता रहा हूँ कि होगा क्या कि सिलेबस आप ऑटोनॉमस सिलेबस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसकी क्या होगी। मुझे नहीं समझ में आता सर ये बिल्कुल भी बात कि ऑटोनॉमस कॉलेज के नाम पर, जैसे अपने यहाँ देखा आपने बहुत से बीएड कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, और उनकी क्या स्तर था। ये हो सकता है कि आने वाले जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उनका स्तर भी डाउन कर दे। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले गवर्नमेंट कहीं पर भी सर डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जो मेरे को खतरा है वो यही है कि पहले आप एक मेरिटोरियस टीचर्स की रिक्रूटमेंट का मैकेनिज्म जब तक नहीं लाएंगे, ये सारी बातें जितनी मर्जी आप करते रहिए सर नहीं होंगी। और बस दो मिनट और ले रहा हूँ सर, ये जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं सर, अब उसका एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर मैं अपना। हमारे यहाँ पर बीबीए पढ़ाया जाता है सर, हमारे कॉलेज में बीबीए की था, और उसमें एक पेपर था सोशियोलॉजी का जी। तो अब आया कि सोशियोलॉजी कौन पढ़ाए, कोई टीचर ही नहीं है। तो मैंने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी कि मैं अपने पीरियड लेने के बाद एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ा दूंगा। मेरे उस इनिशिएटिव को लेकर मेरे एक और साथी ने मेरा सहयोग करना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए सर, डीएचई से ऑब्जेक्शन आया, एक परमानेंट रेगुलर टीचर जो है वो जो है फाइनेंस वाला जो है सिलेबस को नहीं पढ़ा सकता। तो ये तो सर हमारे लाभ कुछ होते हैं, पॉलिसियां बना दी जाती हैं, जब तक बहुत
स्तर पर जब तक टीचर्स को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, मैं नहीं समझता कि जो ऑटोनोमस वाला है, और इसी में लास्ट बात करना था इंडस्ट्री को कैसे जोड़ेंगे मुझे नहीं मालूम। छोटे एक एग्रेरियन सोसाइटी में सर, अंतिम बात कह रहा हूँ सर मैं, एग्रेरियन सोसाइटी में आप कैसे लोकल इंडस्ट्री जब है ही नहीं तो उनके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कैसे करवाएंगे, ये पॉलिसी में कहीं मेरे को दिखाई नहीं देता। ये केवल एक आदर्शात्मक तो हो सकती है जिसको पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में कैसे लाएंगे इसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं। धन्यवाद। कर्ण वर्मा कहना चाहते हैं, कर्ण वर्मा जी। हाँ जी प्लीज। हाँ जी कर्ण वर्मा जी। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कर्ण वर्मा जी। कर्नल भर उनका चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा था अभी कि आई वांट टू से समथिंग। हाँ जी। जब तक कर्नल साहब अपने को अनम्यूट करते हैं, ये जो टिप्पणियां आपने की हैं, शंकाएं जाहिर की हैं डॉक्टर साहब, टीचर्स ने दायित्व लेना छोड़ दिया है इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने देखा ही नहीं, ऑटोनमस इस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम आज बात कर रहे हैं, और दूसरा सिस रीफ्रेम करने के जो अर्थ थे वो हमने किए कहाँ हैं। 70 सालों से तो चले आ रहे सिलेबस पढ़ा रहे हैं, यहीं पर प्रश्न करना सिखाते नहीं है हम। बोलिए, बहुत सारे लिखते हैं, मैं समझ सकता हूँ इन पे चर्चा। जी अनम्यूटेड हिमसेल्फ सर कर्नल वर्मा जी। ओके वो कुछ यस यस हाँ जी वर्मा जी यस 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 ही हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ। बोलिए वर्मा जी। नो नहीं हो पाया शायद उनसे, स्क्रीन शेयर हो गई। भारत के नाम से था ना उनका, भारत इंदु वर्मा। आई कांट सी हिज नेम हियर। चलो प्लीज। हाँ सर सुन पा रहे हैं तो आप अपना को अनम्यूट कीजिए और फोन करता हूँ। नहीं सर। हाँ जी तब तक और किसी की कोई टिप्पणी है तो हम फिर धन्यवाद ज्ञापन की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद यदि किसी और की कोई टिप्पणी है, क्योंकि आज का ये जो वेबिनार था वो सिर्फ यही था कि एक इस पे टोटल स्ट्रक्चर को हम पकड़ने की कोशिश करें, अपनी ओरिएंटेशन करनी शुरू करें, समझने का प्रयास करें कि गवर्नमेंट जो है वो 2 लाख सुझावों के बाद उनको कंपाइल करके जब हमारे साथ शेयर कर रही है तो वो बहुत हल्के में नहीं हम ले सकते। बहुत सारे आक्षेप हो सकते हैं लेकिन हम सुझाव भी दे सकते हैं, सुधार के लिए उनको प्रपोजल दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी धीरे धीरे खुलेंगी, और ये बिल्कुल जैसे जनरल साहब ने कहा है हम इसको 2-3 लेक्चर्स में लेंगे धीरे धीरे करके, और देखेंगे कि गवर्नमेंट को क्या प्रपोजल्स दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। कर्नल सर जुड़े, सर आप सर मुझे लगता है सर वो नहीं जुड़ पा रहे या अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, पता नहीं। चलो हाँ चलिए डॉक्टर विजय शर्मा जी। निधि कुमारी जी। मैडम विजय एक मिनट रुकिए। निधि जी प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू से।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्कूल टाइम्स में हमने जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए, को करिकुलर, तो वो तो समझ में आता है कि हमें सीखने को मिलता है, बट ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्वालिटी पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है साथ में अगर अलग सब्जेक्ट्स को लेता है तो वो मेडिकल की फील्ड में उतना स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा, या इंजीनियरिंग की फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है। जनरल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, उसमें देखिए आप मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं या किसी भी इसमें हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप पे कुछ और भी टैलेंट है, आप कुछ और भी करना चाहते थे या कर चाहते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ कि समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप में कुछ और चीजों का भी टैलेंट है, आप उस टैलेंट को कह लीजिए, हॉबी को कह लीजिए, पैशन को कह लीजिए, उसको क्या करें, आप क्या होता है आप उसको दबाए रखते हो, सर्विस लग जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बाद बोलते हैं यार मेरा ना पेंटिंग का बड़ा मन है, मैं तो बचपन से पेंटिंग बड़ी अच्छी करता था पर मौका नहीं मिला। यहाँ पर जो है वो इसमें जो बात हो रही है एजुकेशन पॉलिसी में, मेरे को अच्छी लगी है कि उस मौका जो है, उस एनवायरमेंट है, उसको अवेलेबल करवाया जाए। मैं एक एग्जाम्पल दिया पेंटिंग की, उसको अवेलेबल करवाया जाए, नंबर वन। नंबर टू, मैंने जैसे शुरू में एग्जाम्पल दी थी, भाई आपको छोटी मोटी स्किल तो आनी चाहिए, वो स्किल्स जो है वो आप कैसे सीखेंगे, हम शर्म करते हैं यार मैं जाकर जो है बिजली वाले से सीखूंगा, तो उसकी दुकान पर जाकर के फ्यूज कैसे लगाना है, ये तार कैसे होती है, वो कैसे होता है, ये मेरा मोबाइल की निकल गई है, ये अमेज़न की वो फिट कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो इन सारी चीजों के लिए नो हाउ कहाँ से मिले, उसके लिए जो है टेक्नोलॉजिकली उस बंदे की छोटी मोटी रिपेयर कह लीजिए, मेंटेनेंस कह लीजिए, या जो भी नॉलेज है वो कहाँ से मिले, वो उसके लिए एक एक माहौल किया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाए। तो मल्टी डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है, उन सारी चीजों को अवेलेबल करवाना है। जी बहुत हद तक बात ठीक है, और ये है कि किस तरह से जो एजुकेशन अब जो टुकड़ों में उसको बांट दिया है, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि इस एजुकेशन से क्या हुआ है कि हम लोगों की जो पर्सनैलिटीज हैं वो भी फ्रेगमेंटेड हो गई हैं। तो डीफ्रेगमेंटेशन का ये प्रोसेस है, ये पॉलिसी जो है, ताकि ह्यूमन माइंड जो है वो डीफ्रेगमेंट हो और वो इकट्ठा हो पाए, नहीं तो वही दबावों के आकर के जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं खड़ी हो रही हैं, जिनको हम लेटर पीरियड में डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि और अभी हमारे पास बात नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीक में हम जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं और जो बाकी और इश्यूज हैं उनके ऊपर इस पॉलिसी के संदर्भ में बात करेंगे, और उनके लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर चहल को यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो ही विल बी टेकिंग अप दोज इश्यूज नेक्स्ट टाइम। और साथ ही मैं ये बात करके डॉक्टर विजय शर्मा जी को आमंत्रित करूँगा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, इस सैटरडे को भी हम 10:30 बजे एक लेक्चर रखने जा रहे हैं कि पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड बुद्धिज्म। तो डॉक्टर अविनाश जी जो हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी, वो मुख्य वक्ता रहेंगे उस दिन, और आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि आप उस दिन भी जुड़ें, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है इकोनॉमी और बुद्धिज्म के ऊपर, उसको हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। उसका लिंक और बाकी सब सूचनाएं जो हैं वो आपको यथा समय हम भेज देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं कैप्टन डॉक्टर विजय शर्मा जी को कि वो हमारे आज के सभी लोगों का और मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें, और फिर उसके बाद हम विसर्जित होंगे। धन्यवाद सर, आज के इस सारे कार्यक्रम के लिए आज के मुख्य वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल AK शोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में बहुत मेहनत से और बहुत डीपली इस सब की तैयारी की, जबकि हमने आपको समय बहुत कम दिया था, लेकिन बहुत अच्छे से आपने पूरे जो है स्ट्रक्चर को हमारे सामने रखा, और क्या विजन है इसका, एक फ्रेमवर्क जो है पूरी तरह से हमारे सामने आ जाया। और ये सच में बहुत बड़ी बात थी कि जो पॉलिसी हम लोगों पर लागू होने वाली है, चाहे हम विद्यार्थी के रूप में हैं या हम अध्यापक के रूप में हैं, उसके बारे में सच में बहुत जानकारी या बहुत प्रयास उसको समझने और समझाने के नहीं हो रहे हैं। तो आज का ये वेबिनार आपकी वजह से और इन सारी जानकारियों की वजह से मुझे लगता है
बहुत यूजफुल रहेगा, कम से कम हम इस दिशा में सोचेंगे। और देखिए परिवर्तन इतने सालों बाद शिक्षा नीति अगर परिवर्तित हो रही है तो समस्याएं तो आएंगी, और वही है हमें अपने कंफर्ट जोन में से निकलने में बहुत बड़ी समस्या आएगी, वो विद्यार्थी को भी आएगी और सबसे ज़्यादा अध्यापक को भी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन समस्याओं के डर से हम परिवर्तन की बात सोचे ही ना, वो तो हमें सोचनी पड़ेगी। तो आपने जो बीच बीच में शंकाएं जाहिर की उससे पता चलता है कि हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उनका निदान जैसे आशुतोष जी ने कहा हो जाएगा जब वो हम उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि समस्याओं का निदान हमेशा मिलता है, लेकिन हमें आपस में इकट्ठे बैठकर उस पर विचार करना होगा। यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, अध्यापक को, विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे समाज पर प्रभाव डालने वाला कदम है और इसमें हमें साथ देना चाहिए। जहाँ जो चीज़ अच्छी है उसको अपना के, और जहाँ जो चीज़ अच्छी नहीं है उसमें हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और ऑटोनोमस पे गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की, हाँ समस्याएं हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि तालाब का पानी खड़ा ही रहे, बस उसको हम इसी तरह से जो है प्रयोग करते रहे और कोई धारा जो है धाराएं बाहर ना बहें। तो कुछ चीज़ें 64 कलाएं हमारे अंदर हैं, इसका मतलब क्या, 64 कला संपूर्ण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं, तो उनमें से हम कुछ तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक जो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी तैयार हुई है, मुझे लगता है आज के आपके इस वक्तव्य से कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है, और जो थोड़ा बहुत इसमें हमें लग रहा है तो वो जरूर बातचीत के माध्यम से और उसके निदान के ऊपर जब विचार आएंगे, गुप्ता जी जैसे लोगों के जिन्होंने अपने अनुभव से सब कुछ बताया है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस वेबिनार की सफलता के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने कैडेट्स का, सभी ऑफिसर्स का, अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग का, और विशेष धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता का जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने सब कुछ प्रस्तुत किया। और विशेष विशेष धन्यवाद हमारे कैप्टन डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का, क्योंकि ये इनकी कार्यकुशलता है कि जो भी कार्य इन्हें दिया जाए ये बड़े अच्छी तरह से उसको पूरा करते हैं, और आज भी इन्होंने इस वेबिनार को बड़े अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया और अच्छे मुख्य वक्ता हमें जो है इन्हीं के माध्यम से मिले, तो इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच जितने भी लोग जुड़े हैं, जिनको हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, जितने भी कैडेट्स जुड़े हैं जो हमारे कॉलेज के भी हैं और पूरी बटालियन के हैं, और फर्स्ट हरियाणा गर्ल्स बटालियन का पूरा स्टाफ हमारे साथ जुड़ा है, मैं पुनः उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस वेबिनार की सफलता उन्हीं के कारण है, अगर इतने लोग हमारे साथ ना जुड़ते तो आज इतनी अच्छी बात हम सब ना सुन पाते। एक बार पुनः सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से, NCC की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में हम फिर जुड़ेंगे और इस जो बहुत बड़ी शिक्षा नीति, जो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, इसके बारे में दोबारा फिर चर्चा करेंगे आशुतोष अंगिरस जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भविष्य के लिए हमें, हमारे पास बहुत कुछ और है, एक बार एक कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास अगले के लिए जो है स्थान निकल आएगा। पहले एक कदम तो उठाएं, और आज हमने पहला कदम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की ओर उठाया है। निश्चित रूप से अब दूसरा कदम भी हम जल्दी ही नेक्स्ट वीक में इसको टेकअप करेंगे। और इसी के साथ पुनः एक बार आप सभी को स्मरण कराते हुए और धन्यवाद करते हुए, इस सैटरडे को हम लोग पुनः मिलेंगे 10:30 बजे, क्योंकि आज का टाइम 11:30 था, लेकिन सैटरडे को 10:30 बजे हम लोग एक बार चर्चा करने के लिए कि पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक डिप्रेशन, पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक सिचुएशन एंड बुद्धिज्म, इसके ऊपर बातचीत होगी, और डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी जो हैं वो इसके ऊपर मुख्य वक्ता रहेंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुना, और आपने अपने आलोचनात्मक टिप्पणियाँ और प्रश्न भी रखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हम कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, अपनी ओरिएंटेशन को बदलेंगे, अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अपने मन को और अधिक खोलेंगे, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हम सुझाव भी दे पाएंगे और कोई ना कोई समाधान भी उपस्थित कर पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद। आप सभी जो है मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद जनरल साहब, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।